जाकरी ट्रेनिंग क्लासेस बराए खवतीन। जाकरी के अहदाफ व मकासद क्या होने चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अहले वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिह, अम्मा बाद फ़क़त क़ाला अल्लाहुल हकीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अहदाफ व मकासद अज़ादारी, इस उन्वान पर हमको बात करने से पहले दो चीज़ों के फ़र्क को समझना पड़ेगा और इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना है हमने। नंबर एक, मैं थोड़ा सा वर्ड्स ऐसे यूज़ करूँगा कि आपको क्लासिफिकेशन करने में आसानी रहे। नंबर वन, मकसद हुसैन, और नंबर टू मकसद हुसैनी। मैं हूं हुसैनी, आप हैं हुसैनी। हुसैन का मकसद क्या था और मेरा मकसद क्या है? ठीक है, अहदाफ और मकासद आज़ादारी, तो आज़ादार का मकसद क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम क्यों आज़ादारी करते हैं? मौला हुसैन का मकसद क्या था? अच्छा, अब ये वो बातें कि तरीक़े वारदात जो आजकल के दौर में है वो बड़ा बड़ा स्मार्ट तरीक़ेकार है, बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो बातों को पुटअप किया जा रहा है और डेवलप होती हैं बातें, और इतने खूबसूरत अंदाज से बातें आती हैं कि बाज़ औक़ात ज़हन इंसानी जो है वो उलझ जाता है और कहीं ना कहीं आके कंप्रोमाइज़ कर लेता है। मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि जहाँ पर दो में से एक चीज़ का आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा, एक चीज़ का ज़रा मुमकिन है मुश्किल से पता चले, ताकि फिर हम बात को आगे बढ़ाएं। इन दो अनावीन के तहत मकसद हुसैन और मकसद हुसैनी, फिर आज़ादारी के अहदाफ़ व मकासिद, उसको हम थोड़ा सा समेटेंगे, जितना हो सकेगा जल्दी कोशिश करेंगे, इसलिए बहरहाल वक्त कम है। एक पुरानी मशहूर सी हिकायत है, नहीं पता किसी ड्रामे फिल्म में भी सुना, इसको इस्तेमाल किया गया, किसी ने मुझे बताया कि एक साहब जो है वो एक दुकानदार के पास गए और जाकर कहा कि भाई मुझे तुम, दुकानदार मिठाई वाला भाई, एक किलो जो है वो मुझे मिसाल के तौर पर गुलाब जामुन दे दो। ठीक है, उसने गुलाब जामुन पैक करना शुरू कर दिए, अभी आधे पौनी पैकिंग हुई थी, उसने कहा कि यार सॉरी गलती हो गई। भाई कभी क्या गलती हो गई? कहा नहीं, वो गुलाब जामुन नहीं थे, उसके बदले मुझे तुम चमचम दे दो। दुकानदार को तो सौदा करना है फाइनली, कोई बात नहीं भाई। उसने जो है वो गुलाब जामुन निकाल के रखे, उसी जगह चमचम तोलना शुरू की, चमचम पैक करना शुरू की। कुछ देर गुजरी, उसने फिर कहा कि वो सॉरी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कह यार ये इस चमचम के बदले मुझे तुम ऐसा करो कि कलाकंद दे दो। मरता गया ना करता उस कहा तो बहरहाल फाइनली ही हैज़ टू सेल समथिंग। उसने जो है वो उसकी जगह कलाकंद तोल दिए। कलाकंद जब पैक हुए, इसने पैकेट लिया ग्राहक ने और चलता बना। दुकानदार ने कहा कि भाई पैसे देते जाओ। कहा किस चीज़ के पैसे? कलाकंद के। कहा वो तो मैंने चमचम के बदले लिए हैं। कहा अच्छा ऐसा करो चमचम के पैसे दे दो। कहा वो तो मैंने गुलाब जामुन के बदले लिए हैं। कहा अच्छा ऐसा करो गुलाब जामुन के पैसे दे दो। कहा वो तो मैंने लिए ही नहीं है। पैसे किस चीज़ के दूँ? अब आपने हिकायत सुनी, मैं और आप सब कोई भी नहीं कहेगा कि ये बात सही कर रहा, हमें से हर एक को पता है कि गलती हुई है।
लेकिन गलती का होना और हमें पता चल जाना कि हाँ गलती हुई है, ये एक और मरहला है। वो गलती है कहाँ एक्चुअली? इल्मी एतबार से जो इस्तदलाल के मराहिल हैं, जो फ़िक्र के मराहिल हैं, आपने चंद मरहलों में जाकर एक पूरा, जैसे आप मैथमेटिक्स की जिन्होंने अलजबरा किया वो शायद समझेंगे इस बात को कि समटाइम्स आपको कोई इक्वेशन ब्रेक करना होती है या किसी को बड़ी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होता है तो आप मरहलावार चलते हैं। रिजल्ट गलत होने का मतलब यह है कि किसी न किसी स्टेप पर आकर आपने मिस्टेक की है। फर्ज कर लें कि आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया 10 स्टेप्स के अंदर, तो वो पहला मरहला जहां पर आपने गलती की, मुमकिन है आपने पहले स्टेज में गलती की हो और पहले स्टेज में आपने गलती की होगी तो वो गलती आपके 10 के 10 स्टेजेस में रिफ्लेक्ट करेगी। एंड मुमकिन है आपने पहले स्टेज में गलती ना की हो, दूसरे में गलती की हो, मुमकिन है तीसरे में गलती की हो। जहां से आप गलती करेंगे फाइनली क्या होगा, वो गलती आगे रिफ्लेक्ट होती जाएगी और आपके रिजल्ट में आकर वो गलती आपके सामने आ जाएगी। और माहिर उस्ताद जो है वो उसकी उस्तादी यही है कि वो पहचान ले कि इसने किस मरहले में आके गलती की है। 10 स्टेजेस थे उसको पूरा खोलने के, लेकिन कौन सी लाइन में आके गलती की, कहां पर आकर गलती की। सवाल ये है कि ये जो गुलाब जामुन और चमचम और कलाकंद की कहानी पेश आई, हम सब मुतमईन है कि जाओ गलत है, किस मरहले में गलती की। स्टिल इतना क्लियर होने के बावजूद कि गलती है, मुमकिन है हम ना पहचान सकें। मंतिकी एतबार से लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर एक्चुअली वेयर द रॉन्ग टर्न वॉज, कहां पर इस्तदलाल करने वाले ने एक रॉन्ग टर्न लिया, कहां पर इस्तदलाल करने वाले ने एक टेढ़ी ईंट रखी और फिर उस ईंट पर इमारत बनती गई जो आखिर में आप सबको नजर आ रही है कि टेढ़ी है, लेकिन वो इमारत है, वो पहली ईंट कहां पर है जहां पर से टेढ़ेपन का आगाज हुआ। तो मे बी वी डोंट नो एग्जैक्टली। देखें एक तो है कि दो थप्पड़ लगाओ सीधा हो जाएगा, लेकिन एक ये है कि आप इल्मी एतबार से सॉल्व करें कि कहां मिस्टेक की इसने, कहां गलती कर रही, वेयर इज ही रॉन्ग, वो मंजिल कौन सी। तो प्रॉब्लम ये होता है कि बाज़ औकात गलती इतनी क्लियर होती है कि हर एक को पता चल जाता है कि गलती है। बाज़ औकात हमें गलती का पता होता है लेकिन हमें उस गलती की बुनियाद और जड़ का नहीं पता होता। हम समझ तो रहे होते हैं कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ये जो कलाकंद के पैसे नहीं दे रहा ये गलती तो कर रहा है, लेकिन कहाँ गलती कर रहा है। बज़ाहिर तो पूरा क्लियर बड़ा सिंपल सा इस्तदलाल है कि साहब कलाकंद के पैसे किए दूँ, उसने कहा चमचम के बदले लिए, चमचम के पैसे दे दो कहा हो तो गुलाब जामुन के बदले लिए, गुलाब जामुन के दे दो कहा हो तो लिए ही नहीं। ही इज़ राइट। तो इस बार्गेनिंग में इंसान कहीं ना कहीं आके जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि यस इफ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम जेन्युइनली देन आई हैव टू एक्सेप्ट कि यस बात तो सही है, जस्ट बिकॉज इसलिए कि मेरा जहन एक्सेप्ट नहीं कर सका। बात को आगे बढ़ाने से पहले एक जुमला और कह दूं जो असल में मेरा टॉपिक नहीं है, लिहाजा मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसूलन जाकिरी नाम है प्रोडक्शन का, जाकिरी नाम है कुछ उस प्रोड्यूस करने का, कोई रिजल्ट देने का, कोई प्रोडक्ट मार्केट करने का, कोई प्रोडक्ट किसी के हाथ में देने का। अरबी जबान के अतबार से इसको हम एक सिंपल लफ्ज से समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज तालीम। तालीम यानी इल्म देना, तालीम यानी इसी से निकला है मुअल्लिम, इल्म देने वाला, ठीक है। लेकिन तालीम अगेन ये एक सेकेंडरी मरहला है, बात का मरहला है, इससे पहले का एक मरहला है दैट इज कॉल्ड ताअल्लुम यानी सीखना। मैं अगर सीखूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, जानूंगा नहीं, परखूंगा नहीं, मारिफत नहीं होगी, इस्तदलाल नहीं कर सकता हूं, एनालाइज नहीं कर सकता हूं, तज्जिया करने के काबिल नहीं हूं, सही और गलत को पहचानने के काबिल नहीं हूं, रास्ता मुझे मालूम नहीं है तो मैं तुमको कैसे लेके जाऊं। हम तो बात कर रहे हैं अहदाफ और मकासिद ज़ाकिरी,
ज़ाकिरी के अहदाफ़ और मकासिद क्या है, यानी मैं ज़ाकिर तो बन गया, मैं वो आके बैठ तो गया, मैं बोलना तो शुरू कर दिया मैंने। यानी इसकी मिसाल ऐसी है सिंपल कि मैं गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठ गया और इसलिए आकर बैठ गया कि मुझे ड्राइविंग करना आती है। देखिए, एक तो वो आकर बैठता है जिसको गाड़ी चलाना नहीं आती, ये तो हर एक को पता है कि रॉन्ग है, ये तो हर एक को पता है कि रॉन्ग है, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती। दो झटकों में पता चल जाएगा कि गाड़ी चलाना नहीं आती, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, स्टार्ट होगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो बंद हो जाएगी। क्लियर? आसान है ना, बहुत जल्दी। जो अनाड़ी ड्राइवर होगा वो दो मिनट में बता देगा अनाड़ी ड्राइवर मुझे नहीं आती गाड़ी चलाना। कमाल ये है कि खिलाड़ी बैठ जाता है जिसको गाड़ी चलाना आती है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर मसला सिर्फ गाड़ी चलाने का नहीं है, गाड़ी चलाकर सही मंजिल पर पहुँचाना है। आपको जाना था हैदराबाद, उसे पहुँचा दिया ठट्ठा, फर्स्ट क्लास गाड़ी चला रहा है ना, आपको झटका लग रहा है, स्पीड ब्रेकर पर वो स्लो कर देता है, स्मूथ रोड पर वो फास्ट चलाता है, ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी कर रहा है, कोई गलती नहीं कर रहा, बट द प्रॉब्लम इज डजंट नो द रोड एंड डजंट नो द ट्रैक। बात आपको समझ में आ रही है? रास्ते का तो पता हो उसको कि किस रास्ते पर जाना है। आज एक से एक पुख्ता जाकिर बैठा हुआ है, आप देखिए क्या फ्लो है पूरी मजलिस का, खुतबा भी आ रहा है, सरनामा कलाम भी आ रहा है, आयत भी आ रही है, तमहीद भी आ रही है, फजाइल के नुकात भी चल रहे हैं, मकसद पर भी बात हो रही है, तबलीग भी हो रही है, मसाइब भी हो रहा है, गिरिया भी हो रहा है, मजलिस मुकम्मल भी हो गई, लेकिन पहुंचाना था कहाँ और पहुंचा दिया कहाँ। तो बिफोर तालीम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज तअल्लुम, आई शुड नो व्हाट शुड आई टीच, सो बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग आई शुड स्टार्ट लर्निंग एंड दैट लर्निंग शुड नॉट स्टॉप। टीचिंग फिर भी रुक सकती है, मैं भी किसी मकाम पर आकर कहूँ कि मुझे सिखाना नहीं है, ओके, लेकिन मैं कहूँ सीखना नहीं है, ये नहीं चलेगा, नॉट एट ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू लर्न, आई नीड टू नो दैट आई नीड टू लर्न, मुझे पता चलना ज़रूरी है कि मुझे सीखना ज़रूरी है। किसी मकाम पर आकर भी हम परफेक्ट नहीं हो सकते, यहाँ तक क्लियर है बात? अब बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाकर हम लेकर आते हैं कि वाकई मकसद आज़ादारी क्या होना चाहिए, हदफ और अहदाफ मकासद, अहदाफ व मकासद आज़ादारी क्या है। हम इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाएं, मैं आप में से कुछ चार पाँच अगर अपना थोड़ा सा फीडबैक दें कि व्हाट डू यू फील आज़ादारी का मकसद क्या होना चाहिए। जी जनाब, द हाउस इज़ ओपन, प्लीज़ शर्माइएगा नहीं, बोलिएगा खुलकर, लेकिन कोशिश करें कि आधी से एक मिनट, स्टार्ट फ्रॉम हियर। जी, थोड़ा सा ज़ोर से ताकि सब सुने, खड़े हो गए मसलन। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें तो हम लोगों को पता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि मेंबर से हराम और हलाल को बयान करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी चीज़ें मुस्तहबात में लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, लेकिन सबसे जो मेरे ख्याल से मेन काम है वो ये है कि हराम हलाल को हर तरीके से सॉफ्टली और अच्छे तरीके से उसको बयान करना। इन्होंने कही बात जिन तक आवाज़ नहीं पहुंची कि वैसे तो हम बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन एक अहम मकसद ये है कि हलाल और हराम को बयान किया जाए। जी यस, आप गुड, अमिल मारूफ नहीं मुनकर और इसी की तफसीलात। जी प्लीज, आज़ादारी चूंकि दीन की बका है और दीन की बका अमर बिल मारूफ के बगैर मुमकिन नहीं है, लिहाजा अमर मारूफ पर बात होनी चाहिए। जी यहाँ से कुछ जी बोले प्लीज। तो मकसद इंसान को उससे ईमान बनाना है, सीरत
इंसान को मुसलमान बनाना है सीरत अइमा की रोशनी में। नाइस। थोड़ा सा पीछे से बैक बेंचर्स भी थोड़ा सा आ गया है जी। हाँ वही चश्मे वाली खातून जो आपने उठाया हुआ जी। दीन की सही सूरत को पेश करें ना कि रस्म व रिवाज को फॉलो करें। गुड। दीन की सही सूरत ना कि रस्म व रिवाज। ठीक। नाइस। अच्छा आप किसी को ऐसा लग रहा है कि उनके पास कोई नई बात है जी। वेरी नाइस। जनाब सईद हमसे राजी हो जाए, ये मकसद होना चाहिए हमारा जी। जी उठें। अहसंत। मकसद ज़दारी ये है कि ऐसा फ़र्श अज़ाब बिछाया जाए या मुहैया किया जाए जहाँ से सरकार इमाम ज़माना के लश्कर के सिपाही प्रोड्यूस हो सके। गुड। अब किसी को लग रहा है कि नई बात है, ये ऐसा ना हो अल्फाज बदल के वही बात आ रही हो। एक बस लास्ट ख़त्म जी बोलें प्लीज। हाँ ठीक है। तो मकसद क्या हुआ इसका, क्या बात आई कि क़ुर्ब इलाही हासिल किया जाए इसके ज़रिए। ओके गुड। बहुत ओपन बात की इन्होंने। ठीक है। तहरीक है। ओके जी। शख्सियत साजी। गुड। ठीक है। तकरीबन ये हुआ कि एक अंदाज़ा हो गया कि हम सब के जहनों में किसी न किसी अंदाज से एक मकसद है जो मौजूद है, और अगर हम ज़ाकिरी करेंगे, अगर हम मिंबर पर बैठेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि ये मकसद जो हमने सोचा है या डेवलप किया है या हमारे जहन के अंदर परवान चढ़ा हुआ है, इस मकसद को हम जो है वो अपने सामेईन तक, अपने हाज़रीन तक, अपने जो शिरकत करंदेगान तक, अज़ादारों तक, फ़र्शेज़ा पर आने वालों तक पहुँचाएँ, और हमारी गुफ्तगू के अंदर वो रिफ़्लेक्ट करे कि वॉट वी आर थिंकिंग, और हमारी बातों से जब वो लोग उठें तो किसी ने अमर बिलमारूफ़ की बात की, किसी ने कहा कि लश्कर इमाम की सिपाही तैयार हों, ये सारी चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आए। अब मुझे एक बात बताइए कि अब देखें यहाँ पर आने के बाद मुझे लगता है कि वही जो मैंने जुमला शुरू में इस्तेमाल किया था, तो लगता है कि सही इस्तेमाल किया था कि अगर हम कुछ और बात करेंगे तो मुमकिन है किसी का दिल टूटे। तो ये दिल तोड़ने के लिए नहीं है बातें जो हम कर रहे हैं, ये वो पिंडार के बुत तोड़ने के लिए जो हमारे जहनों के अंदर बाज़ औक़ात बन जाते हैं किसी वजह से। थाईलैंड के अंदर ये वाक़ा पेश आया था, बहुत अच्छा वाक़ा है। एक टूरिस्ट जो है वो पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत ही जायंट, बहुत ही बड़ा हैवी हाथी है, और उसके पैरों में जो रस्सा बंधा हुआ है वो ठीक है, काफ़ी ताकतवर रस्सा है, लेकिन इतना ताकतवर रस्सा नहीं है कि वो उस हाथी को रोक सके। बड़े हाथी को रोकने के लिए क्या किया जाता है, उसके एक पैर में जंजीर बांध दी जाती है लोहे की बड़ी मोटी सी, और उसको घूंडों से बांध दिया जाता है, तो वो हाथी अपना फिर पैर उसको नहीं हिला सकता। लेकिन उसने को रस्से से बांधा गया, ठीक है मुनासिब रस्सा है मोटा, लेकिन हाथी थोड़ा सा पैर हिलाएगा और ये रस्सा आराम से टूट जाएगा, ये हाथी के सामने इस रस्से की कोई हैसियत नहीं है। तो इस टूरिस्ट ने उस सवाल किया उस हाथी बांध से, फील बांध से, कि भाई हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपने इतने जायंट हाथी को आपने इस रस्से से रोका हुआ है जो किसी एतबार से इस हाथी को रोकने के काबिल नहीं है। तो वो फील बांध हंसने लगा, कहने लगा कि भाई मैंने छोटे सा प्रैक्टिस की इस हाथी के साथ और मैं सक्सेसफुल रहा उस प्रैक्टिस में। कहा वो प्रैक्टिस क्या थी, का मैं साथी को उस वक्त लेकर आया था अपने पास जब ये जन्म लिया था, इसने पैदाइशी बच्चा था,
उस वक्त जो मैंने रस्सा बांधा वो इतना मोटा था कि मैं किसी सूरत में उस रस्से को तोड़ाने की कोशिश मैंने कामयाब नहीं हो सकता था। वही रस्सा आज तक चल रहा। उस वक्त ये रस्सा बहुत मोटा था। इसने एक दिन, दो दिन, चार दिन, छः दिन कोशिश की इसको तोड़ने की, तोड़ाने की, भागने की, सब कुछ। लेकिन फाइनली उसको समझ में आ गया कि मैं इस रस्से को तोड़ने के काबिल नहीं हूँ, लिहाजा उसने कोशिश करना छोड़ दी। अब कई साल हो गए, ये इतना जायंट बन चुका है, लेकिन इसके दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं इस रस्से को नहीं तोड़ सकता हूँ, लिहाजा ये कभी कोशिश ही नहीं करता। मैं शायद जंजीर बांधूँ तो तोड़ने की कोशिश करेगी, अब कोई नई चीज़ आ गई है। इस रस्से के बारे में पता है कि इसके बस को तोड़ना इसके बस की बात नहीं है। बहुत सारे रस्से हम अनजाने में खुद अपनी फिक्र के पैर पर बांध लेते हैं। और उसके बाद हम फंस जाते हैं, साहब इस रस्से को कैसे तोड़ें, इसको तो नहीं तोड़ सकते। हम अल कायम में आ गए, अगर हम अमर बिल मारूफ के अलावा कोई बात करेंगे तो कैसे चलेगा। हाँ, मैंने कब कहा कि अमल नहीं करें, कुछ लगा आपको मेरी बात से? आ रहे बात पर, आ रहे प्लीज। अच्छा, समझना सिर्फ ये है, संभालना सिर्फ ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी जंजीरें हमने खुद अपने पैरों में बांध ली और हम फंसे हुए हैं कि हम उसको कैसे रोक तोड़ें। जो मैं जुमला अर्ज कर रहा था कि हम अल कायम में आ गए तो हमें बात तो करनी है अमल मारूफ की, अगर हम यहाँ ना होते फिर कहीं और बात करते तो फिर बेशक कुछ और बात करते, लेकिन यहाँ पर तो यही बात करनी है, अमल की बात करनी है, लश्कर इमाम की बात करनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड लॉजिकली, मंतिकी एतबार से, फिक्र की सच्चाई के एतबार से, बाज़ औक़ात हम दो चार चीज़ों को मिला देते हैं और वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसे इनकार नहीं है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे उसके बेनिफिट्स क्या हासिल होने वाले हैं, नताइज क्या मिलने वाले हैं, कितना फ़ायदा मेरा होने वाला है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं माँ बाप की खिदमत कर रहा हूँ क्यों, वेरी क्लियर, इसलिए कि माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, इसलिए कि जन्नत में जाना है। अगर असल मकसद जन्नत में जाना चाहिए, फ़र्ज़ कर लें किसी वजह से भी मुझे यकीन हो गया कि जन्नत ही हो गया, फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं माँ की खिदमत करने की। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ भाई, सारी बातें मैं कहता हूँ, अगर मेरा मकसद जन्नत है फिर मैं कहूँगा अब सारी बातें बकवास हैं, मैं क्यों करूँ माँ की खिदमत, मेरी जन्नत पक्की हो गई। लेकिन अगर मुझे माँ की खिदमत इसलिए करने की करनी है तो मुझे करनी है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि जन्नत मिल रही है कि नहीं मिल रही, मिले तब भी करनी, ना मिले तब भी करनी, मेरी माँ है। बास वक्त हम मिक्स कर देते हैं, माँ की खिदमत इसलिए करने की जन्नत, भाई माँ की खिदमत इसलिए करने की माँ, प्रैक्टिकली शायद कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहाँ जाके फर्क पड़ेगा, जहां पर पता चल जाएगा सामने वाले को कि मकसद मुझे हासिल हो गया है, तो देन वो बोलेगा कि ठीक है मेरा टारगेट अचीव्ड है। भाई आप ईमानदारी से मुझे बताइए, दवाइयां खाते हैं कभी बीमार पड़ते हैं तो? खाते हैं ना, सभी खाते हैं, कौन नहीं खाता, लेकिन जैसे ही सही हो जाते हैं उसके बाद खाते हैं। डॉक्टर कहता है 7 दिन खाना, आप 4 दिन में सही हो गए, किसी ने खाई 5वें दिन दवाई? ये दवाई मैं इसलिए थोड़ी खा रहा हूँ कि डॉक्टर का पेट भरने वाला है कि केमिस्ट का पेट भरने वाला है, मैं दवाई इसलिए खा रहा हूँ कि मुझे सही होना है। मैं सही हो गया, मैं क्यों खाऊँ बाद 5वें दिन दवाई? खत्म होगी बात, आप चाहे कुछ भी कहते रहे, होता है कि नहीं होता? क्यों? इसलिए कि क्लियर है कि मैं ये मेडिसिन इसलिए खा रहा हूँ कि मुझे सही होना है, मैं सही हो गया, खत्म हो गई बात, मैं नहीं खाऊंगा एक दिन भी एक्स्ट्रा। छोटे से छोटा बच्चा भी जिद पे आ जाता है, बड़े से बड़ा आदमी भी जिद पे आ जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? वाजी यहाँ तक बात। अब सवाल ये है कि मौला हुसैन की आज़ादारी माने का मकसद क्या है, मौला हुसैन की आज़ादारी करने का मकसद क्या है, हम क्यों आज़ादारी करते? आप कहते हैं अमर बिल मारूफ के लिए, तो क्या अमर बिल मारूफ साल के 2 महीने 8 दिन वाजिब है सिर्फ? क्या पहली जैसे रोजे हैं खुदा ने वाजिब किए हैं पहली रमजान से,
29 से 30 रमजान तक। तो अमर बिल मारूफ क्या कोई डेट है बाकायदा कि पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक? मैं सिर्फ इस वक्त जो है वो आपके सामने सवालात को क्रिएट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप रीथिंकिंग करें। मुझे पता है कि मेरे पास क्या है आपको देने के लिए। ऑफ कोर्स द हाउस इज ओपन, यू कैन डिस्कस, लेकिन प्लीज कोशिश कीजिएगा कि लेट मी कंप्लीट, लेट मी फिनिश फर्स्ट, देन आप बात करें, कोई बात नहीं, ताकि जो है वो एक बड़े ग्रुप को लेकर हम किसी एक मकसद तक पहुंच, एक नतीजे तक पहुंच सकें, ठीक है? अगर अमर बिल मारूफ मकसद है इस आज़ादारी का, इस फर्श अज़ा को बिछाने का, तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या डेट्स फिक्स हैं अमर बिल मारूफ की? खुदा कहता है 365 दिन में से सिर्फ 10 दिन आज़ादारी, 10 दिन अमर बिल मारूफ वाजिब है। क्या ईमानदारी से बताइए कि 9 रबी अव्वल को अमर बिल मारूफ उसी तरह नहीं वाजिब जिस तरह पहली मुहर्रम को वाजिब है, जिस तरह 10 मुहर्रम को वाजिब है इसी तरह 15 शाबान को नहीं वाजिब है? तो फिर कल शुरू करते हैं 15 शाबान को मजलिस, 18 ज़िलहज को भी मजलिस, साहब अमर बिल मारूफ तो वाजिब है। अच्छा, इमाम के लश्कर का सिपाही प्रोड्यूस करना 18 ज़िलहज को वाजिब नहीं है, 15 शाबान को वाजिब नहीं है, 13 रजब को वाजिब नहीं है, 3 शाबान को वाजिब नहीं है, तो क्यों पहली मुहर्रम को ही मुझे याद आता है इमाम का लश्कर का सिपाही? मैं सिर्फ सवाल क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे पता है आपके जहनों में जवाब आते हैं, मेरे सामने जाहिल लोग नहीं बैठे, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। लेट मी फिनिश, मुझे पता है बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं, एंड आई रियली विश अगर हमारे पास टाइम होता, ओपन एंडेड टाइम होता, तो डेफिनेटली आई वुड हैव एक्सेप्टेड ऑल द आंसर्स एंड द कमेंट्स फ्रॉम योर साइड, बट प्लीज लेट मी फिनिश, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों ऐसा है? मैं पहली मुहर्रम को क्यों फर्श अदा बिछाता हूँ भाई? क्यों 10 मुहर्रम को फर्श अदा पीक पे पहुंच जाता है अपने? एक मिनट के लिए इसको हम रोकते हैं यहां पर, अब आते हैं ह्यूमन कल्चर के ऊपर। एक मिनट के लिए भूल जाएं कि हम शिया हैं, भूल जाएं कि हम फर्श अदा बिछाते हैं, भूल जाएं कि हम मजलिस अदा बरपा करते हैं। एक मिनट के लिए इसको साइड पर रखें, कोशिश करें फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स अपने आप को आइसोलेट करें एज ए ह्यूमन। कभी ऐसा हुआ कि हमारे किसी अजीज की डेथ हो गई, माँ बाप भाई बहन चचा पुप्पी खाला मामू दादा दादी नाना नानी, होता कि नहीं होता? हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो कहे कि मेरे किसी अजीज की आज तक डेथ नहीं हुई, क्लियर? जब अजीज की डेथ होती है, मतलब फर्ज करें दादा की डेथ हो गई, आप दादा के साथ नहीं रहते थे, दादा मसलन बड़े ताया के साथ रहते थे, तो आप क्या करेंगे? जाएंगे ताया के घर कि नहीं जाएंगे? कितने दिन ठहरेंगे वहां पर दादा की डेथ हुई है तो? कोई एक दिन रुकेगा, कोई दो दिन ठहरेगा, कोई तीन दिन ठहरेगा, मुमकिन है बहुत बड़ा घर हो, शहर बदल के आप गए हो तो मुमकिन है आप 10 दिन भी ठहर जाएं। डिपेंड्स अपॉन द रिलेशंस, जैसा ताल्लुक, जैसे इम्कानात, जैसे आसानी, जैसे रिश्ता, उसके अतबार से मुमकिन है आप 40 दिन भी ठहर जाएं, मुमकिन है आपके वालिद 40 दिन ठहर जाएं, आपकी वालदा और आप आ जाएं, मुमकिन आपकी वालदा ठहर जाएं, वालिद और आप आ जाएं, एक ज्यादा रुक जाए एक कम रुके, ऐसा होता है कि नहीं होता? सवाल ये कि मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्यों जा रहे हैं, क्या मकसद है यहां जाने का, क्या कहेंगे आप, व्हाट्स द रीजन? दादा की डेथ हो गई, जाना ही जाना है, मकसद क्या होता है मौलाना साहब? ताल्लुक है हमारा, हमारे दादा की जनाजा उठाए तो हम नहीं जाएंगे क्या? जाएंगे, सीधी सीधी बातें जाएंगे। मेरे चचा का जनाजा है, मेरी चची का जनाजा है, मेरे मामू का जनाजा है, मेरे खाला का जनाजा है, पप्पो का जनाजा है, जाना ही जाना है मुझे, ये क्या होता है मकसद भाई? वहाँ जाएंगे, बैठेंगे, पुरसा देंगे, चचा की डेथ हुई तो चची को पुरसा देंगे, चची की डेथ हुई तो चचा को पुरसा देंगे, दादा की डेथ होगी दादी जिंदा है दादी से बात करेंगे, दादी और दादा दोनों चले गए तो उनके बच्चों को पुरसा देंगे, ताया से बात करेंगे, चचा से बात करेंगे, अबू के गले में बल्कि पुरसा देंगे। मकसद क्या होता है? मकसद यही है कि मुझे एक्चुअली जाकर ये बताना है कि यस आई एम कनेक्टेड, दैट्स इट, सिर्फ एक मकसद है, यस आई एम कनेक्टेड, मेरा तुमसे रिश्ता है। कराची में 2 करोड़ आवाम रहते थे, इन 2 करोड़ आवाम में से हम 10 आदमी आए, इसलिए कि इन 2 करोड़ में से 10 का रिश्ता है, बाकी 2 करोड़ आवाम का रिश्ता नहीं, लिहाजा वो नहीं आए, खत्म हो गई बात, प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, यह हो गई बात अपने रिश्तेदारों की। आ जाइए जनाब अली, फर्श कर लें कोई अहले सुन्नत का है जो आपके अजीज है, आपके पड़ोसियों में से बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पर ऐसी होंगी,
कि जिनके सुन्नी पड़ोसी होते हैं 10 साल 15 साल 20 साल वहाँ डे तो कि वहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। अब तो इमाम हुसैन भी नहीं रहा दरमियान में, 20 साल से रिश्ता है आपका और पड़ोसी हैं आपके। कितने घराने ऐसे होते हैं मौलाना, बच्चे हमारे वहाँ पढ़े हैं, उनके बच्चे हमारे पास पले हैं, कई मरतबा हमने वहाँ का खाना खाया है, कई मरतबा उन्होंने हमारा का खाना खाया है, घरों के दरवाजे खुले होते थे, हमें पता भी नहीं होता था कि एक घर है कि दो घर हैं। और ऐसे ताल्लुकात होने चाहिए, अगर अहले सुन्नत भी अच्छे हैं तो ज़रूर होने चाहिए, और हैं बहुत सारे ताल्लुकात। तो अगर वहाँ पर मसलन जो है वो किसी की डेथ होगी तो आप नहीं जाएंगे, क्या मकसद है जाने का भाई? अब बड़ा क्लियर हो गया, अब रिश्तेदार भी नहीं है आपके, शिया भी नहीं है आपके, कि मौलाना साहब ताल्लुक है। अब अगेन डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है, नए नए पड़ोसी थे मुमकिन आप 10 मिनट में आ जाएं, बहुत पुराने पड़ोसी मुमकिन है 3 दिन आप वहां पर आए, मुमकिन है 3 दिन तक खाना आपके यहां से जाता रहे, होगा कि नहीं होगा? जितना ताल्लुक होगा उतना आप ताल्लुक निभाएंगे, 1 मिनट से लेकर 10 दिन तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक, 25 दिन तक, 1 साल तक निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे? अब आ जाइए नॉन मुस्लिम पे, फर्ज करें कोई ईसाई है आपका पड़ोसी, अभी आपको समझ में नहीं आएगी, मर्दों को समझ में आती है, जहाँ ऑफिस कलीग्स होते हैं क्रिश्चियंस भी होते हैं, एक आदमी नया नया लगा है छोड़ें, एक आदमी 20 साल से कलीग है, क्रिश्चियन है, काम करता है, उसके किस अजीज की डेथ हो गई? अब बताइए ईमानदारी से उस क्रिश्चियन को जाकर आप गले लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? जो तरीका है हमारा रिवाज, जिस जगह जो रिवाज, हमारे रिवाज है गले मिलके पुरसा देने का, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का रिवाज है, हम गले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मुंह से कहेंगे कि नहीं कहेंगे भाई अफसोस हुआ तेरा बाप मर गया? मुझे ईमानदारी से बताइए आपको अफसोस हुआ? आप तो पहचानते ही नहीं उसको, आपने उसके बाप को देखा ही नहीं आज तक जो मर गया, ना जान ना पहचान ना रिश्तेदारी ना कोई ताल्लुक कुछ भी नहीं है। ताल्लुक मरने वाले से नहीं है, ताल्लुक मरने वाले के बेटे से है, बेटा हमारे साथ काम करता है, चूंकि हमारा उसके साथ ताल्लुक है, उसका ताल्लुक बाप से है, तो इनडायरेक्टली मेरा ताल्लुक उससे हो गया, लिहाजा मुझे कहना पड़ेगा कि हाँ मुझे अफसोस हुआ। मकसद क्या है मिलने का? अगेन मकसद वही है कि मेरा ताल्लुक है, लिहाजा मैं उस ताल्लुक का इजहार करना चाहता हूँ कि यस आई एम कनेक्टेड, आई कैन फील अ बिट ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग। जितना तुझे दुख है उतना मुझे दुख तो नहीं हो सकता ऑफ कोर्स, लेकिन चूंकि तुझे दुख है मुझे दुख है कि तू दुखी है, यानी एक्चुअली दुख डेथ का नहीं है, एक्चुअली दुख इस बात का है कि जो मुझसे कनेक्टेड था वो दुखी है, चूंकि वो दुखी है लिहाजा मैं उस दुख को फील कर रहा हूं, दैट्स इट। ये काफी है कि नहीं है, या मजीद भी कुछ चाहिए? उस ईसाई से गले मिलने के लिए, उस सुन्नी से गले लगने के लिए, उस रिश्तेदार के घर जाने के लिए क्या वाकई कुछ और चाहिए या काफी है? अगर काफी है तो 1400 साल गुजरने के बाद फातिमा जहरा से यह कहने के लिए कि बीबी तेरा हुसैन मारा गया, मैं आके बैठ गया फर्श पर, क्यों काफी नहीं है? नहीं है। मैं 1 मिनट के लिए आयत को गलत पढ़ रहा हूं और एक एक फर्द को खुदा की कसम दे के कह रहा हूं कि मुझे बताना इसमें क्या गलती है, व्हाट्स रॉन्ग इन इट, कुल ला असअलकुम अलैहि अजरन इल्ला तक्वा, व्हाट्स रॉन्ग? तक्वा हो तो क्या गलती है? अगर खुदा कह देता मोहम्मद तुम कह दो मुझे अजर रिसालत कुछ नहीं चाहिए, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि खुदा का तकवा इख्तियार करो, व्हाट्स रॉन्ग इन इट, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? आसमान जमीन पे आ जाता, जमीन आसमान पे चली जाती, क्या हो जाता? जिस चीज को हम कुछ नहीं समझते पैगंबर उसे मुकम्मल सब कुछ समझ रहे हैं। खुदा कह रहा है कि कुछ नहीं मांगो, ना पैगंबर को तुम्हारी नमाजें चाहिए, ना रोजा चाहिए, ना हज चाहिए, ना ज़कात चाहिए, ना अमर बिल मारूफ चाहिए, ना नहीं मुनकर चाहिए, ना लश्कर का सिपाही चाहिए, कुछ नहीं। ला असअलकुम अलैहि अजरन इल्ला, एक चीज अल मवद्दा। अब समझ में आया कि बहुत सी पैरों में जंजीरें बंधी हुई हमारी, हम तोड़ना नहीं चाहते उसको। कुछ हो रहा है क्लियर? देखिए मैं हदीस नहीं पढ़ रहा हूं, को वाकयात नहीं पढ़ रहा हूं जज्बाती,
मैं तो आयत पढ़ रहा हूं, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दा। इल्ला का मतलब क्या है? नथिंग बट दिस। देखिए बाज़ औक़ात किसी चीज का मीनिंग होता है ये भी चाहिए, बाज़ औक़ात किसी चीज का मीनिंग होता है ये ही चाहिए। इल्ला भी को नहीं लेके आता, ही को लेकर आता है। ये ही चाहिए बस, कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला। कैन यू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ इल्ला? अच्छा अब देखिए समझाऊंगा सारी बातें। क्या इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा अल्लाह के रसूल मैंने मवद्दत कर ली, अब मुझसे नमाज मत मांगिएगा, मैंने मवद्दत कर ली, अब मुझसे रोजा मत मांगिएगा, छुट्टी आज अच्छा, नमाज की, रोजे की, हज की, ज़कात की, जहाद की, अमर बिल मारूफ, सब छुट्टी हो गई। क्यों? आपने तो कहा मौला ना कुरान कह रहा, आप थोड़ी कह रहे कि बाबा कुछ नहीं चाहिए सिवाय मवद्दत के, सिवाय इश्क के। मवद्दत इश्क के एक्सट्रीम लेवल का नाम है। एक बहुत ही बेतुकी मिसाल है, अल्लाह करे रिकॉर्ड ना हो, और रिकॉर्ड हो तो आगे ट्रांसफर ना हो कम से कम, बहुत समझाने के लिए सिर्फ, बड़ी बेवकूफ़ वाली बात है लेकिन समझाने के लिए बहुत अच्छी बात है। आजकल एक यूथ के अंदर एक जुमला बड़ा चलता है कि शादी उससे मत करना जिसके साथ तुम रह सकते हो, डोंट मैरी द वन यू कैन लिव विथ। उसके साथ शादी कभी मत करना जिसके साथ तुम्हारा गुजारा हो सकता है। तो फिर किससे करें? कहा भाई उससे करना जिसके बगैर गुजारा नहीं है। जिंदगी का शरीक सफर उसको बनाना जिसके बगैर तुम नहीं जी सकते। तो जिसके साथ रह सकते हो वो है मोहब्बत, जिसके बगैर नहीं रह सकते वो है मवद्दत। अब ये मैंने कहा ना बेतुकी बात है, जाहिर सी बात है कि आई डोंट वांट टू टीच यू अबाउट द दीज थिंग्स, द स्टूपिड थिंग्स दैट इज बीन सर्कुलेटिंग बिटवीन द यूथ। लेकिन अहले बैत वो हैं जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। बनी से बे अभी अंत व उम्मी, मेरी माँ तुझ पे कुर्बान है हुसैन, मेरा बाप तुझ पे कुर्बान, यानी ए हुसैन याद रखना, ए फातिमा के बेटे याद रखना, मैं ये तो कर सकता हूँ कि तेरी मैं अपनी माँ के बगैर रह लूँ, ये तो मुमकिन है मेरे बाप के बगैर रह लूँ। कितनी औरतें हैं जो शौहरों को छोड़ देती हैं मौलों के दस दिनों में, ना खाने का ख्याल है, ना पीने का ख्याल है, ना घर की सफाई का ख्याल है, निकल पड़ते हैं ना दीवानावार कि बाबा सब हो सकता है, हुसैन के बगैर नहीं रह सकते। ये इश्क है जो मांगा गया है, ये इश्क है जो मकसद है। अच्छा अब वो नमाज कहाँ चली गई, वो अमर बिल मारूफ कहाँ चला गया, वो रोजा कहाँ चला गया, वो सब कहाँ चला गया? ऑफ कोर्स जब सच्ची मोहब्बत होगी तो वो सब आएगा, लेकिन मैं मजलिस इसलिए नहीं करता कि तुम्हें नमाजी बनाऊं, सॉरी मैं फर्शदा घर में इसलिए नहीं बिछाता हूं कि तुम्हें रोज़ा रखने हैं, मैं घर पे फर्शदा इसलिए नहीं बिछाता हूं कि मुझे तुमसे अमर बिल मारूफ करवाना है, सॉरी बुरा लगेगा आपको, शायद टूटेगा आपका दिल। मैं फर्शदा घर में इसलिए नहीं बिछाता हूं कि मुझे इमाम का सिपाही बनाना है, मुझे फर्शदा इसलिए बिछाता हूं कि उस बीबी ने उस दिन कहा था कि बाबा मेरे हुसैन पर रोएगा कौन। मैं फर्शदा के बिछा के कहता हूँ कि बीबी तुम्हें हसरत थी ना कि तुम्हारे हुसैन पे कौन रोएगा, तो हैं हम रोने वाले। That's it. And that should be enough. खुदा की कसम अगर ये चीज दिलों में आपने परवान नहीं चढ़ाई, अगर आपने अपने मेंबरों से ये चीज नहीं दी और आपने सिर्फ ये कहा कि साहब हमें लश्कर के सिपाही बनाना है, अभी मारूफ करना है, मकसद की बात की, मकसद की बात की, मकसद की बात की, यकीन जाने 10 साल के बाद लोग आना छोड़ देंगे। आज बच्चा एतराज़ कर रहा है 12 साल का, 13 साल का, 14 साल का, मामा व्हाई आई शुड गो टू दीज मजालिस अगेन एंड अगेन व्हेन आई एम लिसनिंग वन थिंग ओनली। यही बातें मैं रोज हमेशा सुनने के लिए क्यों जाऊँ? अच्छा आप चाहती मैं नहीं बन जाऊं, जरूरी है कि मैं 2 घंटे की ड्राइव करके जो है फर्शदा पे जाऊंगा, इतना रश हो वहां पर, सिक्योरिटी के कंसर्न्स हो, ये हो वो, मैं अपने घर पे बैठ के वीडियो पे सुन लूंगा, यूट्यूब पे सुन लूंगा, दैट्स एनफ फॉर मी, व्हाई शुड आई गो टू देम? अगर वाकई यही है तो क्या जरूरत है मुझे 2 घंटे, ईमानदारी से बताइए मुझे क्या जरूरत है जाने की 2 घंटे ड्राइव करके, क्योंकि मकसद तो वो नहीं था ना। मकसद हमने क्या कहा, मारूफ हो तो हो रहा है, घर पर बैठ के भी हो रहा है।
आप लोग जाकिर लोग हैं तो आपके पास किताबें होंगी, मुझे ईमानदारी से बताइए, बास किताबें ऐसी नहीं होती जिसको 15 मिनट पढ़ लेना काफ़ी होता है पूरा अशरा सुनने के मुकाबले में? तो अगर वाकई आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि यस मकसद है अमर बिल मारूफ, तो फिर आपको मर्द बन के कहना चाहिए कि कोई जरूरत नहीं अशरा करने की, सबको किताब दे दो 15 मिनट पढ़ लेंगे, वो मकसद हासिल हो जाएगा जो 10 दिनों में हासिल नहीं होने वाला। वी शुड फिनिश द अशरा, वी शुड फिनिश द फर्श अज़ा। आप समझ में आ रही बात? बहुत नज़दीक हैं ये लाइंस। मैंने दो तीन जगह तस्करा किया, आपके सामने भी तस्करा कर रहा हूँ। अभी मौलाना सैयद मूसा रज़ा नकवी हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से, ही वॉज देयर इन जापान फॉर दिस अय्याम मुहर्रम, अय्याम रमज़ान, शबाए कदर के अंदर उन्होंने मुझसे शेयर की बात। कहने लगे मौलाना अजीब बात हुई, एक दिन मैं मजलिस पढ़ने बैठा, वहाँ टोटल 80-90 लोग थे, कहा एक मोमिन आया, नया मोमिन आया, अरब आया, जिसको उर्दू का एक लफ्ज भी नहीं आता, मजलिस सुनने के लिए आ गया। अच्छा, परदेश में जिन्होंने मजालिस पढ़ी हैं या सुना है या जिनके रिश्तेदार रहते हैं, बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं कि आप ऐसी जगह जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पर आपको लैंग्वेज नहीं आती। मसलन तुर्की ज़बान में मजलिस हो रही है, आपको पता है कि मेरे इलाके में एक ही इमाम बार गए तुर्कियों का, मैं अकेला पाकिस्तानी हूँ, तो आप क्या करते हैं वहाँ जाकर बैठ जाते हैं? फिर साहब ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा, फर्शदा तो मिलेगा। अगेन इश्क, कोई सिपाही नहीं बन रहा वहाँ पर, ये इश्क है जो आपको तुर्की ज़बान की मजलिस में बिठाता है। इसके अलावा अगर कोई भी मकसद होता, खुदा की कसम, वो आदमी घर पे बैठ के मजलिस सुनता, ना जाता फर्श अदा पर। अभी तो बहुत सिंपल सी बात ही, अरब आके बैठ गया, लेकिन द थिंग वॉज, उसने कहा कि मैंने जो है वो 18 घंटे की ड्राइव की वन वे, 18 घंटे गाड़ी चलाने के बाद आया हूँ, इसलिए कि मुझे पता चला कि पाकिस्तान से कोई मौलाना आया है, फर्श अदा बिछाया जा रहा है, मौला का जिक्र हो रहा है, मैं बस सुनने के लिए आ गया। काफ़ी वक्त हो गया, नहीं सुनने का मौका मिला, बैठने का मौका नहीं मिला, मैं उस जगह पर आगे बैठना चाहता था जहाँ मौला का तस्करा हो, चाहे एक लफ्ज़ मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये इश्क नहीं है तो और क्या है? ये इश्क नहीं तो और क्या? और अगर आपने मकसद की बातें की, यानी जो हम समझ रहे हैं मकसद, प्लीज़ मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, समझिएगा मेरी बात को, तो फिर आपको एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे। 18 घंटे तो बहुत दूर की बात है, 18 मिनट भी कोई ड्राइव करने को तैयार नहीं होगा। व्हाई शुड आई ड्राइव? कभी ऐसा होता है कि आपके घर में एक बेहतरीन मेडिकल स्टोर मौजूद हो और आप एक घंटा ड्राइव करके किसी और जगह दवाई लेने के लिए जाएं? आपको बेवकूफ़ नहीं कहा जाएगा? घर में पैनाडोल पड़ी हो, आपको एक पैनाडोल की ज़रूरत हो, और आप एक घंटा ड्राइव करके, दो घंटा ड्राइव करके हैदराबाद से जो पैनाडोल लेने जाएँ, आपको पागल समझेंगे नहीं लोग? तो अगर वही मजलिस आपको घर में मिल रही है, एक मिनट की स्ट्रीमिंग पे डाउनलोड हो रही है, तो क्या ज़रूरत है दो घंटे ड्राइव करके जाने की? अब समझ में आ रहा है, वो गुलाब जामुन, वो कलाकंद इतना है कि गलती हो रही है, कहाँ हो रही है नहीं पता, लेकिन रिजल्ट वो निकलेगा कि फिर मिलेगा कुछ भी नहीं। रिजल्ट वो निकलेगा कि मिलेगा? ये और बात है, आप किसी आम आदमी के जनाजे में भी जाते हैं तो फिर क्या होता है? अगर वो वाकई एक नेक आदमी होता है, अच्छा आदमी होता है, तो उसके बारे में बातें जरूर होती हैं, होती कि नहीं होती है? बड़ा नेक आदमी था यार, एक बात है, जिंदगी और मवाओं की खिदमत करता रहा। अगर था वाकई ऐसा तो क्या करेंगे? बातें करेंगे ना? एक बात है, बाकी सारी बातें एक तरफ, माँ बाप की खिदमत करने में परफेक्ट था। ईमानदारी की बात है कि नहीं, जब आप वहाँ जाते हैं, इस तरह की बातें सुनते हैं, तो अगर चाहे वो बड़ा दूर का रिश्तेदार भी नहीं होता आपका, मसलन कुछ भी होता है, लेकिन जब आप बातें सुनते हैं तो आपके दिल में भी शौक पैदा होता है, यानी मर गया इसके बारे में बातें हो रही हैं कि माँ बाप की खिदमत करता था, मुझे भी खिदमत करनी चाहिए। तो आप गए थे रिश्ता निभाने, एक अच्छी चीज़ लेकर आ गए कि हाँ माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। तो यस, दैट्स द बेनिफिट। तो जब एक आम नेक इंसान ही दुनिया से जाता है और उसकी बातें होती हैं, तो इंसान बहुत कुछ लेके उठता है। तो आपका क्या ख्याल है, हुसैन के फर्श अदा पर आएंगे तो हुसैन आपको खालियत भेज देगा? क्या समझ कर रखा है आपने हुसैन इब्न अली को? आप जब हुसैन की बातें करेंगे, कोई पर्दा सीखेगा, कोई नमाज शब सीखेगा, कोई हलाल व हराम सीखेगा, कोई अपने आप को इमाम हुसैन के लश्कर की तरह, ज़माने के इमाम के लश्कर का सिपाही बनाएगा, कोई कहेगा मौला हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, मैं भी कुर्बानी दूँ, हज़ार बातें हम सीखेंगे। ये सारी बातें सीखने के लिए डेट तय नहीं है, इश्क का इजहार करने के लिए डेट तय है। देखिए, आप बरसी अपनी अम्मा की, अपने अम्मा भी पूरा साल नहीं करते, अपने अम्मा अपा की बरसी कब करते हैं? जब सालगिरह आती है।
माँ से मोहब्बत के इजहार के लिए आप क्या करते हैं उस बरसे के लिए, उस दिन का इंतजार करते हैं। आएगा दिन तो हम क्या करेंगे, बरसे का इंतजाम करेंगे, वरना सब हर दिन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन उस दिन ख़ास आप एहतमाम करते हैं, आज मेरी माँ का दिन है, आज मेरे बाप का दिन है, आज मेरे अजीज़ का दिन है। तो बाबा अगर अच्छा होता करता कौन है, जो रिश्तेदार होते हैं वही करते हैं। मेरी माँ मरेगी तो आप थोड़ी करेंगे बरसी, मैं करूँगा, मैं फिर बुलाऊँगा आपको, भाई मेरे घर मेरे अल्लाह की बरसी, आप तशरीफ़ लाइएगा, है कि नहीं। आपकी अम्मा का इंतकाल होगा तो आप बरसी करेंगे, मैं क्यों करूँगा। लेकिन अगर कोई ऐसा अजीज़ हुआ जिसका मेरा और आपका रिश्ता बराबर का है तो फिर आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा। जब मैं प्रोग्राम करूँगा तो मैं मेज़बान बन जाऊँगा, आप मेहमान बन के आएंगे। जब आप करेंगे तो आप मेज़बान बन जाएंगे, मैं मेहमान बन जाऊँगा, मैं मेहमान बन के आ जाऊँगा। हुसैन इब्न अली का कमाल ये है कि दुनिया के हर शिया से कहा, लिसन, तुम कह सकते हो कि मेरा हुसैन, किसी को कहने का हक नहीं है कि हुसैन मेरा, तलाजा मैं मजलिस करूँगा तुम आना, मैं मजलिस करूँगा तुम मेहमान बन के आना, तुम मजलिस करोगे मैं मेहमान बन के आ जाऊँगा। चूंकि मुझे स्पेसिफिकली इसी बात को डिस्कस करना है, अहदाफ व मकासिद आज़ादारी, और चूंकि मैं ये आम मजलिस नहीं पढ़ रहा हूँ कि जहाँ सिंपल एक फर्श अज़ा बिछाया गया, हम मजलिस के लिए जहाँ जमा भी नहीं हुए, यहाँ हम किसी और मकसद के लिए जमा हुए, कि हम इस बात को डिस्कस करें कि वॉट आर द एक्चुअल रीजन्स बिहाइंड दिस। तो याद रखिएगा इसके पीछे जो पहला रीज़न है वो फातिमा ज़हरा की ख्वाहिश है, बाबा मेरे हुसैन भाई कौन रोएगा, और जो दूसरा रीज़न है वो जनाब ज़ैनब की ख्वाहिश है, यजीद से कह दो हमारे लिए घर को खाली करवा दिया जाए, हम रो नहीं सकें। बहुत सारी बातें क्लियर होनी चाहिए प्लीज़। हाँ, मकसद क्लियर हो गया उसके बाद आप सारी बातें करें। यानी अगर हम मौला का सिपाही जो है वो इस फर्श अज़ा से नहीं बनाएंगे तो कहाँ से बनाएंगे, इनकार नहीं है। नमाज शिफ की आदत अगर यहाँ से नहीं दिलवाएंगे तो कहाँ से दिलवाएंगे। हिजाब की अहमियत इस फर्श से नहीं पता चलेगी तो कहाँ से पता चलेगी। माँ बाप का एहतराम यहाँ से पता नहीं चलेगा तो कहाँ से पता चलेगा। हलाल और हराम की तमीज़ यहाँ से पता नहीं चलेगी तो कहाँ से पता चलेगी। लेकिन बाबा ये सारी बातें बात की हैं, पहले इश्क तो लेकर आओ, अगर इश्क नहीं आएगा तो कोई कुछ नहीं सुनेगा। इश्क है तो तुम्हें सुनने के लिए लोग आते हैं ज़ाकिरात, अगर इश्क नहीं हुआ तो तुम्हें सुनने के लिए कोई नहीं आएगा, डाउनलोड काफ़ी है, बिलीव मी डाउनलोड काफ़ी है। अगर फर्श अदा का मकसद सिर्फ यही होता कि कुछ सीखने के लिए बैठना है, मुझे ईमानदारी से बताओ कौन सा इमाम है जो फिजिकली अपनी ज़िंदगी में फर्श अदा पर नहीं बैठा। चौथे इमाम बैठते हैं जाकिर से कहते हैं मेरे बाबा के मसाइब पढ़, इमाम सीखने के लिए बैठे हैं और वो बैठने वाला सिखा रहा है इमाम को। चले मैं और आप मकसद के लिए करते हैं, इमाम सलाबुद्दीन कौन सा मकसद के लिए करते हैं आज़ादारी, कुछ सीखना है इमाम को, कोई गलती होगी नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, इसकी इस्लाह करवाने के लिए इमाम बैठे। छठे इमाम की कोई जाकिर बैठ के इस्लाह कर रहा है, आठवें इमाम की कोई जाकिर बैठ के इस्लाह कर रहा है, हाँ, या वो जो असहाबे अइमा हैं एक से बढ़कर एक, ज़ुरारा, मोहम्मद इब्न मुस्लिम, पता नहीं क्या क्या नाम है, वो सब बैठे हुए मजलिस में इमाम सादिक के साथ और एक जाकिर ऊपर चढ़ गया तो वो इनको सिखा रहा है, जिनमें से हर एक का लेवल खोई खुमैनी ना जाने कितना उसे ऊंचा है। उस लेवल के रुआत जिनके बारे में इमाम ने कहा बाबा ये ना होता मेरे बाप की अहादीस ज़ाया हो जाती, एक एक रावी को 30-30, 35-35 हज़ार अहादीस याद हैं, वो फर्ज अदा पे आके बैठे हैं इसलिए कि जाकिर को सिखाएगा इनको। व्हाट आर वी डूइंग, हमने कौन सी जंजीर अपने पैरों में बांधी है, कौन सी रस्सी अपने पैरों में बांधी है, जिसकी औकात नहीं है कि वो रस्सी हमारे पैरों को बांध सके, लेकिन हम तोड़ने को तैयार नहीं, ये सोचने को तैयार नहीं कि हम तोड़ भी सकते हैं। आज अच्छे से अच्छा मोमिन बड़ी मजे से कहते थे मौलाना बहुत हो गई नारे वाली मजलिसें, बहुत हो गई अली वाली मजलिसें, आज इस्लाह की बात करें, और हम चूंकि पढ़े लिखे लिहाज हम कहते हैं हाँ बात तो सही है। वो पहले की जंजीर थी, आज हमारी जंजीर है कि हमने ये जंजीर बांध ली कि हाँ भाई अली अली तो बहुत हो गया, किसने कहा अली अली बहुत हो गया,
किसने कहा कि अली अली बहुत हो सकता है? अली अली कभी भी बहुत नहीं हुआ। तुम्हारी माँ का 25 साल पहले इंतकाल हो जाता है, मैं कहूँ बहुत हो गया माँ का तस्करा, कैसा लगेगा? बहुत कर ली माँ की बातें, मेरी माँ ऐसी थी, मेरी माँ वैसी थी, हाँ लगेगा बुरा कि नहीं? ईमानदारी से बताएं, बोलो ना आपको क्या हक पहुँचता है मेरी माँ के बारे में बात करना, जैसी भी थी मेरी माँ थी। चले मुमकिन है वाकई कोई बुराई भी थी आपकी वालदा, मुझे पता चल गई, मैंने कहा तुम्हारी माँ तो वैसे थी और आपको भी पता है कि हाँ ये बुराई थी, फ़र्ज़ कर लें खुदा ना खास्ता कोई ऐप था मिसाल के तौर पर, तब भी आप यही कहेंगे ना मौलाना साहब जैसी भी थी मेरी माँ थी, चाहे 25 साल हो गए चाहे 30 साल हो गए मेरी माँ थी। बाबा हुसैन तो वो है जिसमें कायनात मिल कर कोई अब निकालना चाहे नहीं निकाल सकता, अली इब्न अबी तालिब वो है कायनात मिल के चाहे अब निकालना नहीं निकाल सकता। हम अली अली करते हैं तो तुम्हें क्यों लगता है कि अली अली बहुत हो गया? अली अली कभी भी बहुत नहीं हुआ। कुल्ला इसको इस आयत को याद रखें, मरकजी तरीन आयत यही है, कुल्ला असअलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दा। हजार बातें इसकी जगह की जा सकती थी, इल्ल तकवा इल्ल फला इल्ल फला इल्ल फला, कुछ नहीं कहा। परवरदिगार जैसा हकीम, मोहम्मद जैसा रसूल, कुल तुम कह दो ला असअलकुम अलैहि अजरन इल्ल मवद्दा, या कह दो आयत गलत है, या कहो मेरी सोच गलत है, या सोच गलत थी। कुछ हो रहा है क्लियर? कुछ बात पल्ले, क्या टाइम क्या हुआ, टाइम बताए जरा। 4:35, वी हैव स्टिल 25 मिनट्स। मैंने अपनी बात ऑलमोस्ट क्योंकि सिर्फ एक ही टॉपिक पर मुझे बात करना थी तो मैंने तकरीबन अपनी बात मुकम्मल कर ली। कोई वाकई किसी को लगता है कि इम्पॉर्टेंट कॉमेंट है तो यस आई एम हेयर टू टॉक टू डिबेट टू डिस्कस टू कंटिन्यू, अदरवाइज एक दो बातें मुझे और करनी है जिसको मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाऊँगा। जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? नहीं कहना चाह रही? ओके किसी को बात? जी वेरी नाइस, वेरी नाइसली शी पुट अप अ क्वेश्चन, और मेरे ख्याल में आप में से बहुत सों की अफकार को जो है वो अल्फाज मिल गए। इन्होंने कहा कि मौलाना बात यह है कि फर्शदा पर हम जब आते हैं 2 महीना 8 दिन गिरिया उजारी करते हैं, पुरसदारी करते हैं, अज़ादारी करते हैं, और ये वाली बातें बताई जाती हैं कि लिसन तुमने अगर गिरिया किया, तुमने उजारी की, तुमने अज़ादारी की, तो ठीक है यू आर डन, तुमने हक अदा कर दिया। लिहाजा वो अज़ादार जो बड़ा मुतमिन होकर खड़ा होता है अपनी मेम्बर से, अपनी जगह से जब फर्शदा से उठता है तो बड़ा मुतमिन होकर उठता है, तो बजाय इसके कि वो हमेशा मुतमिन होकर उठे इसे शर्मिंदा होकर भी उठना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, इमाम उसे क्या चाहते हैं वगैरह वगैरह। मेरा पहला जवाब तो ये है कि आपका क्या जाता है कोई हुसैन के दर से मुतमिन होकर जा रहा है? तो देखिए द प्रॉब्लम इज फर्श अज़ा का मकसद हमने बहुत क्लियरली, बहुत ही जिसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया कि फर्श अज़ा का मकसद है अपने ताल्लुक का, अपने इश्क का, अपनी मोहब्बत का, अपने कनेक्शन का इजहार। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक 7 साल का बच्चा अपनी दादी की वफ़ात पर जाता है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, जब वो 8 साल का होता है पहली बरसी पे जाता है, 9 साल का होता है दूसरी बरसी पे जाता है, 10 साल का होता है तीसरी बरसी पे जाता है, और अगर वो कहे भी कि मम्मा क्या हर मरतबा जाकर सूरह यासीन पढ़ के आ जाते हैं तो मैं घर में बैठ के पढ़ लेता हूँ, तो आप ये कहेंगे नहीं बेटा सिर्फ यहाँ बैठ के नहीं पढ़ना बल्कि हमारा ताल्लुक है वहाँ जाना ज़रूरी है। अगले साल भी आप कहते हैं नहीं जाना ज़रूरी है। 11 साल का, 12 साल का, 13 साल का, 14 साल का, जब वो 15 साल का होता है उसे खुद समझ में आता है कि नहीं जाना ज़रूरी है।
और हालांकि उसे सूरह यासीन उस वक्त भी नहीं आती थी उसकी तर्जुमा, आज भी तर्जुमा नहीं आता, वो जाके पढ़ के आ जाता, लेकिन उसे पता है कि पूरे साल घर पे बैठ के सूरह यासीन पढ़ना और है, इस दादा की बरसी वाले दिन वहाँ जाकर सूरह यासीन पढ़ना और है, हालांकि एक ही चीज़ है। तो ये कनेक्शन है जिसके लिए मुझे जाना है, बाकी ये यासीन मैं घर पर बैठ के भी पढ़ सकता हूँ, कैसेट लगा के भी सुन सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये वाला यासीन और है। तो बस फर्श अज़ा के आने, देखें हम अब बात कर रहे हैं सबसे पहले फर्श अज़ा पर लाने की, जो हम सारी बातें कर रहे थे, मैं अगेन इसको डिफाइन करूँ कि क्लियरली कि वो सारी बातें जो आपने कहा, शर्मिंदा होकर उठे, अपने गुनाहों का एहसास लेकर उठे, गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपने किरदार में तब्दीली लाए, अमल की इस्लाह करे, अगेन मैं और एक्सप्लेनेशनों की बात करूँ, वालदैन का एहतराम, हलाल और हराम, रिस्क हराम ना खाए, यतीम का ख्याल रखे, भाई बहनों का हक खा के बैठा है वो वापस दे दे, वो सारी बातें, लेकिन सवाल ये है कि फर्श अज़ा ज़रूरी नहीं है उसके लिए, वो घर पर बैठ के यूट्यूब पर भी हो सकता है। मैं चाह रहा हूँ मिक्सअप ना हो बातें, वो किताबें पढ़ के भी हो सकता है, उसके लिए डेट फिक्स नहीं है कि माँ बाप का एहतराम सिखाने के लिए पहली मुहर्रम ही है, हलाल हराम का फ़र्ज सिखाने के लिए दूसरी मुहर्रम ही है। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, जो फर्श अज़ा बिछता है वो अपने कनेक्शन के इजहार के लिए होता है, फिर वो सारी बातें, वो जो आपने बात की वो सेकेंडरी है। एक मरतबा इंसान फर्श अज़ा पर आ गया, अब इस फर्श अज़ा पर बैठ कर ज़ाकिर को क्या पढ़ना है, तो कम से कम आज की क्लास के बाद ये तय हो गया कि उसको ये नहीं पढ़ना कि फर्श अज़ा पहने का कोई फायदा नहीं, अगर कोई मकसद नहीं है तुम्हारा तो आने का, ये वाली गलती नहीं करनी। लेकिन वो जो आप बताने वो दूसरी गलती कि तुम्हें सिर्फ रोना, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ये भी गलती है। तो मैं इस वक्त उन बातों की बात नहीं कर रहा हूँ कि ज़ाकिर बैठ के क्या क्या गलतियाँ करता है, मैं तो बता रहा हूँ कि फर्श अज़ा क्यों बिछता है। फर्श अज़ा बिछता है पुरसा देने के लिए, अगर चौथे इमाम फर्श अज़ा बिछाते थे पुरसा देने के लिए, पांच इमाम फर्श अज़ा बिछाते थे, खुद नीचे बैठकर ज़ाकिर को ऊपर उठाते थे पुरसा देने के लिए, वही मसाइब रिपीट होते थे, नए मसाइब नहीं आते थे, कोई मसाइब की नई किताब रिलीज नहीं होती थी कि साहब पिछले साल तक ये वाले मसाइब पढ़े गए, अब ये वाले मसाइब पढ़ना, अब वाले मसाइब पढ़ना, अब इस अंदाज से पढ़ना, अब उस तरह से पढ़ना, ऐसा कुछ होता था। वही बाबा कोतला हुसैन, कोतला हुसैन अब करबला आज से 1400 साल पहले यानी 61 हिजरी में भी गूंजी और आज भी वही आवाज़ होती है आशुर के दिन, कत कोतला हुसैन अब करबला, कुछ और होता है, कोई नया वर्ड आया, कोई नया वर्जन आया इसका, नहीं वही बात अइमा करते थे। क्यों? फर्श अज़ा का मकसद अहदाफ व मकासिद आज़ादारी, आज़ादारी का सबसे अहम और पहला बुनियादी तरीन मकसद है अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना। देखिए याद रखिए, आप अगर मिसाल के तौर पर खुशबू वाले की दुकान पे जाते हैं और एक घंटा वहाँ पर गुजारते हैं तो आपके वजूद से खुशबू आती है, चाहे आप कुछ भी ना खरीदें। तो अगर उस खुशबू वाले के अब्बा की डेथ हो गई थी और आपका कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग था और एक घंटा जाके उसके आप बैठ गए तो आप परचेजिंग करने गए ही नहीं थे, आप तो गए सिर्फ ये कहने के लिए थे कि भाई तेरा अब्बा मर गया, मुझे अफसोस हुआ। लेकिन जब एक घंटे बाद निकलेंगे तो खुद ब खुद आपके पूरे बदन से खुशबू आ रही होगी। तो मैं उससे कब इनकार कर रहा हूँ कि जब हुसैन की फर्श पर बैठो तो तुम्हारे बदन से हुसैन के किरदार की खुशबू आनी चाहिए, आएगी, उससे इनकार नहीं है। मेरी किसी बात का मतलब ये नहीं कि मैं कहूं कि आप ये कहें साहब बहुत हो गया, आज़ादारी नमाज पढ़नी ही नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा, ना मैं कहना चाह रहा हूं, ना मेरी किसी बात का मतलब निकलता है। मैं कहना चाह रहा हूं फर्श अज़ा पर मैं इसलिए आता हूं कि मुझे अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। वरना खुदा की कसम अगर मिसाल के तौर पर मुझे मलिस पढ़ने के लिए हम जाते हैं, आप जो ज़ाकिरात में जाते हैं, लेकिन फ़र्ज कर लें किसी दिन आपको जो है वो किसी जगह से दावत नहीं आई, आप बहुत अच्छी ज़ाकिरा हैं, साहिब इल्म हैं, किताबें पढ़ी हैं, मेहनतें की हैं, मौजू आते हैं, लोगों की इस्लाह करते हैं, ऐसा वैसा ये वे सब, फ़र्ज़ करना वो कहीं से दावत नहीं है, फिर आप क्या करेंगे मोहर्रम के 10 दिन? मेरा सवाल है आपसे, घर पे बैठे रहेंगे, जाएंगे किसी मदरसे में शिरकत करने? क्यों जाएंगे, आपको तो सब कुछ आता है पहले से, इस्लाह तो हुई हुई है, समझ आ रहे जाओ आपके कि नहीं माँ हुसैन के मदरसे में क्यों नहीं जाऊँ? भाई इसलिए नहीं जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, जो ज़ाकिरा पढ़ रही है तुम्हें खुद भी मालूम है कि उसको पता नहीं क्या उल्टी सी दवाएं पढ़ रही है, इससे ज़्यादा तुम पढ़ सकती हो, फिर क्यों जा रही है सुनने के लिए उसको? तो आप ही कहेंगे हम उसको सुनने नहीं जा रहे हैं, हम बीवी इसको बताने के लिए जा रहे हैं कि बीवी हम तुम्हारे बेटे के गम में शरीक हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ और कब कह रहा हूँ? अगर उस ज़ाकिरा ने पढ़ भी दिया कि कोई ज़रूरत नहीं नमाज़ पढ़ने की, तो नमाज़ पढ़ना छोड़ देंगी कि ये कहकर के मेरी सारी किताबें, सारी मेहनत, सारी ज़ाकिर एक तरफ, आज इस ज़ाकिरा ने कह दिया कि नमाज़ की ज़रूरत नहीं, लिहाजा नमाज़ बंद आज से, आज उस ज़ाकिरा ने कह दिया कि हिजाब की ज़रूरत नहीं, लिहाजा हिजाब ख़त्म, करेंगे आप लोग ऐसा? कभी भी नहीं करेंगे। आप क्यों बैठते हैं फर्श अज़ा पर? मैं समझाना सिर्फ ये चाह रहा हूँ, फर्श अज़ा पर मैं आता हूँ तो अपने इश्क का इज़हार करने के लिए आता हूँ, दैट्स इट, एनफ।
वी शुड बी बोल्ड एनफ, हमें इतना करेज इतना हौसला होना चाहिए कि हाँ काफी है हुसैन की मोहब्बत हुसैन के फर्शदा पे आने के लिए। हम क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं, क्यों ऐसा लगता है कि नहीं ये बहुत छोटी बात कर रहे हैं, क्यों ऐसा लगता है कि अगर अमर बिन मारूफ की बात नहीं करेंगे तो लगता है कि यस वी आर मिसिंग समथिंग, हलाल हराम की बात नहीं करेंगे तो वी आर मिसिंग समथिंग। नो नो, मैं सिर्फ इसलिए आ रहा हूं कि मेरा हुसैन से ताल्लुक है, दैट्स इट। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं अपने वहाबी चौकीदार को गिरे लगाता हूं कि तेरा बाप मर गया यार अफसोस हुआ, क्यों, इसलिए कि मेरे चौकीदार है, बिल्डिंग का मैं आता हूं तब भी उसकी शक्ल देखता हूं, जाता हूं तब भी शक्ल देखता हूं, 3 साल से मैंने चौकीदारी कर रहा है, आज वो फर्श बिछा के बैठा है कि मेरा बाप मर गया, तो मैं गले मिलके उसको ना कहूं कि यार तेरा बाप मर गया मुझे अफसोस हुआ, तो क्या खुदा ना खासा इसका मतलब यह कि मुझे वहाबियों से मोहब्बत पैदा हो गई है, या ईसाइयों से मोहब्बत पैदा हो गई, या हिंदुओं से मोहब्बत हो गई है, इज इट लाइक दैट, या वो जो मेरा एक्ट होगा वो सिर्फ ये बताने के लिए होगा कि यस टू दैट लेवल आई एम कनेक्टेड फॉर अ मिनट, मे बी फॉर 30 सेकेंड्स ओनली, मैं अपने कनेक्शन का इजहार करूंगा, गले लगाऊंगा, यार क्या हुआ बीमार थे, अब उम्र गए, डेथ हो गई, यार अफसोस हुआ यार, खुदा मुसलमान दुआ जो देना दूंगा खत्म करो, तो काफी नहीं है क्या ये कि मेरा ताल्लुक है, तो मुझे वहां समझ में आता है, चौकीदार में समझ में आता है, ड्राइवर में समझ में आता है, पड़ोसी में समझ में आता है, हिंदू में, ईसाई में, सुन्नी में, गैर में, हुसैन के मामले में समझ में नहीं आता, अजीब बात है। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं, मेरे इस बात को समझें, और मैं चाह रहा था कि सवाल आए इस तरह का, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो आप बरसों से एक चीज जहन में बिना के बैठे, ऐसा तो नहीं कि रूहानी साहब को इतने बड़े मसन जो है वो फनकार हैं कि 1.5 घंटे के अंदर सारी बातों को धो देंगे, तो कहीं ना कहीं से कुछ बातें उभरेंगी जहन में, और इसीलिए मैंने बात को फैलाया नहीं, वरना बहुत सारी बातें फैल सकती हैं, अभी मैंने सिर्फ फोकस करके एक बात पर बात की, क्या मकसद है आजादारी का, मैं जो फर्श आजाद बिछाता हूं इसलिए बिछाता हूं कि मुझे हुसैन इब्न अली से प्यार है, दैट्स इट, यस आई एम बोल्ड एनफ, आई एम स्ट्रांग एनफ, आई एम स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड दिस, कि मैं फर्श आजाद पर सिर्फ हुसैन के लिए आता हूं, दैट्स इट। और आप देखिए वाकई जो यानी जो वो अफरादे जो 30, 35, 40 क्रॉस कर चुके हैं उनको मज़ा नहीं आता, वो सुकून से घर में बैठ नहीं सकते, अगर मोहर्रम के पहले 10 दिन कहा जाए कि तुमको घर में बैठना नहीं जा सकते कहीं, तो खुदा ना खास्ता किसी का ऑपरेशन हो जाए, खुदा ना खास्ता किसी का ऐसा हादसा हो जाए, डॉक्टर कहते बिस्तर से उठ नहीं सकते, क्या कैफियत होती है, सगी औलाद मर जाए इंसान इतना नहीं तड़पता जितना फर्श अदा पे ना जाने का कहा जाए कि तुम्हें नहीं जा सकते, इतना तड़पता है, ये इसके अलावा और क्या, ये कौन, ये यहाँ पर कहाँ है आज़ादारी, यहाँ पर कहाँ है अमर बिल मारूफ, यहाँ का चला गया इमाम का सिपाही, कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ याद आता है बाबा मौला की फर्श अदा बिछा हुआ, मैं नहीं जा सकता। लेकिन अगर हमने इसी तरह मकसद की बातें करते रहे, आप यकीन जानिए 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद, वो लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे ओके व्हाट्स रॉन्ग विद इट, हम घर पे बैठ के सुन लेंगे आराम से, क्या जरूरत है जाने की, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, टाइम इतना निकल जाता है, आधे घंटे की मजलिस 1.5 घंटे ड्राइव करके जाना, 1.5 घंटे ड्राइव करके आना, आधा घंटा पहले पहुंचना तो पता चला आधे घंटे की मजलिस के लिए 5 घंटे, मम्मा मैं नहीं आता, आप जाएं, और ऐसा शुरू हो चुका है आज के दौर में, आज, और ये हमने किया है, मैंने और आपने, हम जाकिरीन और जाकिरात ने किया है। अब समझ में आया तालीम और तअल्लुम क्यों, तालीम से पहले तअल्लुम जरूरी था, हमको ड्राइवरी तो आती थी, बहुत अच्छी ड्राइवरी आती थी, लिहाजा हम बड़े कमाल और परफेक्शन से गाड़ी चलाते थे, हमें रास्ता नहीं पता था, जाना था उधर चले गए, इधर नमाज पढ़ने थी किबले की, हम पढ़ने कंधार की तरफ मुंह करके, अब समझ मारी, डायरेक्शन आर सो इम्पॉर्टेंट, नमाज आना जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है कि सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वही नमाज अगर गलत डायरेक्शन पढ़ी, नमाज पूरी सही है इसलिए गलत नहीं कि नमाज गलत है, इसलिए गलत है कि डायरेक्शन गलत है, तो एज ए जाकिर एज ए जाकिरा सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुछ भी करें, कुछ भी करें, सबसे पहले यस उस इश्क को जिंदा करें, उस इश्क की ताईद करें, उस मवद्दत को दें, उस मवद्दत को अप्रिशिएट करें, यस बताएं कि बाबा जिन पर तुम रोने के लिए आए हो ना वो इतने अजीम लोग थे,
वो खुदा की इस तरह से मानते थे, खुदा उनकी इस तरह से मानता था, खुदा उनका मर्तबा इस तरह से पहचानवाता था, वो खुदा की खातिर इस तरह करते थे, उनके वाक़यात ऐसे हैं, उनका अंदाज़ ऐसा है, वो नमाज़ें ऐसी पढ़ते थे, वो रोज़े ऐसे रखते थे, वो जिहाद ऐसे करते थे, वो गरीबों का ख्याल ऐसे रखते थे, वो यतीमों के साथ ऐसे करते थे, वो बेवाओं के साथ ऐसा करते थे, वो माँ बाप का ऐसा एहतराम करते थे, वो दोस्तों का ऐसा एहतराम करते थे, वो अपने भाइयों का ऐसा एहतराम करते थे, वो मोमिनीन का ऐसे ख्याल रखते थे, वो सारी बातें बताएं उनके बारे में। खुद ब खुद जब उनकी बातें हो रही होंगी, सुनने वाले को आपको नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा माँ बाप का एहतराम करो, सिर्फ बता दो इमाम इस तरह एहतराम करते थे, वो खुद सोचेगा कि मुझे अपनी माँ का एहतराम करना है। तुम बता दो इमाम इस तरह गरीबों की मदद करते थे, तुम्हें नहीं कहना पड़ेगा, वो खुद गरीबों की मदद करने को तैयार हो जाएगा। यस, वो तो होना ही होना है, वो मैं कब मना कर रहा हूँ, उसे इनकार नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन हम बड़े मजे से कह देते हैं एज ए मौलाना, एज ए जाकिर, एज ए जाकिरा, कोई फायदा नहीं है ज़ादारी का अगर कोई आपको जो है मकसद हासिल नहीं हो रहा। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। तो प्लीज थोड़ा सा इन बातों को हमें समझना है, यकीनन मकसद है, अगेन मैं ही नहीं कह रहा मकसद नहीं, वो मकसद क्या है, सीना तान के बोले वो मकसद है इश्क, नहीं घबराएं, नहीं डरें, नहीं शर्माएं, मैं फर्श अज़ा पर इसलिए आता हूं कि मुझे हुसैन से प्यार है, दैट्स इट। जो मैंने मिसाल दी आपको, सारी मिसालें क्लियर कर देंगी कि अगर आप वाकई जाकिर आए हैं और आप बीमार पड़ गए, या आपको टिकट नहीं मिला, या वीज़ा नहीं मिला जहाँ जाना था आपको, या फर्श कर इमामबाड़ा बंद हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि अब आपको कहीं नहीं जाना और आपको कोई नहीं बुला रहा, हर जगह सारी मजलिसें बुक हो चुकी हैं, तो क्या आप घर में बैठे रहेंगे या जाएंगे फर्श अज़ा पर? वो क्यों जा रहे हैं? वो सारे जवाब जो शुरू में दिए गए थे सब फेल हैं, एक ही जवाब वैलिड है कि मुझे अपनी बीवी को पुरसा देना है जाके, दैट्स इट, मुझे पुरसा देना है, इसलिए जाना है मुझे। आज अरबेन पे लोग जो चल रहे हैं, मिलियंस ऑफ पीपल आर वॉकिंग, कहाँ है उधर अमर बिल मारूफ, कहाँ है उधर, कुछ नहीं है, सिर्फ अशक हुसैन में चला जा रहा, उस बेचारे को पता ही नहीं, वो चला जा रहा है अशक हुसैन में, या हुसैन, खुदा रहा इस इश्क को जिंदा रखे, खुदा रहा इस इश्क को परवान चढ़ाए। और एक नहीं, दस नहीं, सैकड़ों रिवायतों के अंदर मासूम ने फरमाया हलिद्दीन इल्लल हुब वल बुग्ज, क्या दीन हुब और बुग्ज के अलावा किसी और चीज का नाम है? क्या दीन हुब और बुक्स के अलावा? देखिए कुरान ने कहा है मा सलकुकुम फी सक़र क़ालू लम नकु मुसल्लीन, तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज़ लेकर लेकर, हम साहब नमाज गुजार नहीं थे। यस आई डू बिलीव, आई डू नो, लेकिन इस नमाजी बनाने के लिए कुरान ने क्या किया पता है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, अगर अल्लाह से मोहब्बत, वाह 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 मोहब्बत आ गई, फिर खुदा को ही मालूम है मैं मुसल्ले पर उसी सूरत में आऊँगा जब मोहब्बत होगी, मोहब्बत जान नहीं होती वहाँ मुसल्ला भी नहीं होता, वहाँ फर्श अदा भी नहीं होता, याद रखिएगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, अगर मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तबा करो, पहले मोहब्बत तो लाओ बाबा। आप यकीन जाने लास्ट ईयर में इतफाकन करबला में था, अरबईन के मौके पर बाद में इमाम रजा की ज़ियारत करता हुआ आया, तो कुंभ में एक आलिम दीन के घर बैठा हुआ था, उन्होंने यही सारी बातें डिस्कस हुई हमारी कि भाई देखो ये हो गया, ऐसा ज़माना हो गया, आजकल ये बातें हो रही, तो ये सारी बातें मैंने डिस्कस की उलमा के साथ। तो फिर एक आलिम दीन अपना इनपुट दिया, कहने का मौलाना बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा बताइए क्या बात, आप किस तरह से कहना चाह रहे हैं सही कह रहे हैं? कहने एक चीज़ मेरे साथ इसी साल या एक साल पहले वाकया पेश आया, आशूर के दिन एक 30 साल का इंसान, 30 साल का मर्द, 30 ईयर्स कम नहीं होते, का बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोता हुआ मेरे पास आया आशूर के दिन। कहने लगा मौलाना खुदा के लिए मुझे नमाज़ पढ़ना सिखा दें। मैंने कहा ये आशूर का दिन है, तुझे आज नमाज़ याद आ रही है, नमाज़ पढ़ना सिखा दे, तू रो भी रहा है इस तरह से। कहने लगा बस मैं क्या करूँ, आज जाकिर ने मसाइब में पढ़ा कि इमाम हुसैन का सर काटा गया, इमाम हुसैन नमाज़ के आलम में थे, मुझे शर्म आती है, मैं हुसैन को पुरसा भी देता हूँ, मुझे नमाज़ पढ़ना भी नहीं आती। तो बाबा उसने हर साल यही सुना था, ऐसा थोड़ी कि 15 साल में जब था तब जाकिर ने नहीं पढ़ा था कि नमाज में सर काटा गया, जब 16 साल में था तो नहीं पढ़ा गया। हुसैन में लेकर कमाल ये, कभी ना कभी तुम्हें नमाजी बना देगा, नमाज में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हें हुसैनी बना दे, हुसैन में इतनी ताकत है कि तुम्हें नमाजी बना दे, याद रखना तुम हुसैनी बना दो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नमाजी मत बनाओ, खुदा ना खासा प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा, इनकार हुसैनी बना दो, हुसैन नमाजी भी बना देगा, हुसैन रोज़ेदार भी बना देगा, हुसैन हाजी भी बना देगा, हुसैन सब कुछ करवा देगा, तुम हुसैनी तो बनाओ। एक बहुत ही अच्छा कमेंट है, सवाल नहीं है कि जी मौलाना हम भी देख रहे हैं कि पहले 30-40 साल पहले तक जो कुछ और होता था अब जो है वो चेंज हो गया, तो यस वी बिलीव कि चेंज हो रहा है।
लेकिन अगेन मैं आपको बताऊं कि आज इतना बड़ा मजमा, इतनी ज़्यादा, ये आप लोग वो हैं जो सुनने वाले नहीं, एक्चुअली सुनाने वाले हैं। आप लोग जो है वो फर्श अदा पर यकीनन बैठते हैं, और मैंने आपसे सवाल भी पूछा तो हमने कहाँ बैठते हैं, लेकिन अब आप लोग जाएंगे तो जाकर इस मैसेज को स्प्रेड करेंगे, आप बताएंगे, जाकर फैलाएंगे। तो हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि हुसैनियत हमेशा बची है। इन्होंने कहा कि साहब दुश्मन की साजिश थी कि हमको हटाना था। नहीं, बाज़ वक़्त साजिश भी नहीं होती है, बाज़ वक़्त क्या होता है कि कोई बात बड़ी अच्छी लगती है और इंसान बह जाता है उसके अंदर, उसको समझ में नहीं आता कि साहब का, जैसे आप में से अगर फ़र्ज़ कर लें, इन्हें आज इतने सारे जवाब जो आए, अमर बिलमारूफ़ के हवाले से बतौर ख़ास जवाब आता है, इमाम के लश्कर के सिपाही बनाने की बात की गई, हलाल और हराम की इन्होंने बात की, तो खुदा ना खास्ता मैं किसी के बारे में समझूं कि ये कोई साजिश करके आए थे आज यहाँ पर कि इमाम हुसैन के मकसद को ख़त्म करना है, नॉट कुछ एट ऑल। 100% मैं मुतमिन हूँ कि इनमें से किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। सिर्फ समझाना ये है कि हम लोग बाज़ औक़ात क्या होता है, इस रौ में बहते रहते हैं, तो कुछ बातें बाज़ औक़ात बोल्ड होकर बोलना पड़ती हैं। हम बहुत सारी बातों को घुमा फिरा के कर रहे होते हैं, यू नो, उस पर मतलब पर्दा डाल के थोड़ा स्वीट कोटेड करके, नहीं, खुल कर बोलो, मत डरो, बोलो कि मैं फ़र्श अदा पर हुसैन के इश्क ले आता हूँ। आज बाज़ औक़ात हम वाकई डरते हैं कि साहब ये बोलेंगे, कहेंगे कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, इतना टाइम ज़ाया कर देंगे इस चक्कर में, सिर्फ क्या वाकई कोई इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए तुम्हें फ़र्श अदा से? हाँ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, खुदमों की बात, लड़ाई की बात, की डरते क्यों हैं? यस, नहीं चाहिए, बिल्कुल अगेन उसी तरह जिस तरह मैं अगर मिसाल के तौर पर किसी ईसाई को गले लगाने के लिए जाता हूं तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए कि वो समझ जाए कि यस आई एम कनेक्टेड टू हिम। तो मुझे यहां पर भी सिर्फ इतना चाहिए कि बीबी को पता चल जाए कि यस आई एम कनेक्टेड टू हर, दैट्स इट। फिर खुद ब खुद अगेन वो सारी बातें, मैं प्लीज वही मैं कहना चाह रहा हूं कि हम एक चीज को मरकजी समझ लें जो उसके आउटकम्स हैं। मैं खुशबूदार खुशबू की दुकान में बैठूंगा तो खुशबू आएगी आएगी, लेकिन मैं इस दिन जो जा रहा हूं खुशबू की दुकान में, वो इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मेरे बदन से खुशबू आए, मैं इसलिए जा रहा हूं कि उसका बाप मर गया, उसको सीने से लगा के कहूं कि तेरा बाप मर गया, मुझे अफसोस है, फिर मुझे एक घंटा बैठ के बातें करूंगा तो खुद ब खुद जब निकलूंगा तो खुशबू आ ही रही होगी। मैं चाहूं भी कि खुशबू ना आए तो मैं उस खुशबू को छुपा नहीं सकूंगा, सीधी सी बात है। लेकिन आज मैं क्यों जा रहा हूं उसके पास? अगर मैं खुशबू के लिए जा रहा होता तो उस दिन जाता जिस दिन मुझे फंक्शन में जाना है। आज तो मैं सिर्फ इसलिए आया हूं भाई, वक्त निकाल के सारे कामों को छोड़ करके मुझे पता चला है कि तेरा बाप मर गया, तो मैं अफसोस करने के लिए आया हूं, दैट्स इट। अब समझ रहे? तो फर्श अज़ा पर बैठकर सब कुछ मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कल से नमाज़ शब पढ़ना बंद कर दें, नमाज शब के उनवान पर बात करना बंद कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिजाब के उनवान पर बात करना बंद कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ माँ बाप के एहतराम के उनवान पर बात करना बंद कर दें। सब कुछ करें, लेकिन दरमियान में कहीं ऐसा ना आए, यानी जिस मकसद के लिए आया है वो उसको उसके मकसद पर ज़रूर मुतमईन होकर खड़ा करें कि हाँ ऐ अज़ादार, तो मुतमईन हो जाए कि तो इमाम हुसैन के फर्श अदा पर आए तो वाकई आया है, इंशाल्लाह बीवी तुझसे राज़ी है, तूने अपना हक अदा किया है, नहीं कहा तो अपना घर बार बीवी बच्चे काम काज कारोबार सब छोड़कर, नींद थकन सब कुछ छोड़कर तो आया यहाँ पर इसलिए कि मुझे मौला के फर्श पर बैठना है, दैट्स इट। आप में से कितने लोग हैं जो मसलन दिन में 10 मरले से करने को तैयार हैं, पहली रबी लेवल से लेकर 10वें लेवल तक है? कोई कोई तैयार नहीं है। ज़रा कहें तो सही शोहर को कि मैं जाऊंगी सुबह से लेकर शाम तक 12 मरले से, जूते पड़ेंगे सबको। ये सिर्फ 10 दिन चलता है, शोहर भी कुछ नहीं बोलता, औलाद भी कुछ नहीं बोलती, माँ बाप भी कुछ नहीं बोलते। हम जा रहे हैं मजलिस में, जाओ खाना नहीं पका है कोई बात नहीं, घर की सफाई नहीं हुई कोई बात नहीं, बर्तन झूठे पड़े हैं कोई बात नहीं, बिस्तर नहीं बिछा है कोई बात नहीं। होता है कि नहीं होता? ये क्या है? करके तो देखें ज़रा, पहले 10 दिन के अलावा किसी दिन देखें कितनी तलाकें होती हैं घरों में। समझ में आ रही बात? ये 10 दिन यस 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 मैं सिर्फ इश्क हुसैन के लिए निकलता हूँ, दैट्स इट। ये बहुत क्लियर होना चाहिए हमारे लिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। फिर सारी बातें करें, बेशक करें, फिर जो सारे मौजूद पर बात होती है वो सारे मौजूद होने चाहिए, मेरे किसी मौजू से इनकार नहीं है। कुछ कहना चाहती हैं? जी, वेरी नाइस। इन्होंने कहा कि अगर मकसद हुसैन सिर्फ गिरिया होता, प्लीज़, मैंने नहीं कहा मकसद हुसैन गिरिया है, मैंने कहा मकसद फ़र्श आज़ादारी। मैंने कब कहा कि इमाम हुसैन, मैंने कहा पूरी मजलिस में 1.5 घंटे में कि इमाम हुसैन ने इसलिए कुर्बानी दी, इसलिए मैंने कहा दो चीज़ों को अलग अलग समझे। शुरू में हमने कहा वन इज़ मकसद हुसैन, एक है मकसद हुसैनी, मेरा मकसद, मैं इस फर्श अज़ा पर क्यों आता हूँ,
मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वर्ष ऐसा पर आऊँ, रोऊँ, चला जाऊँ, उसके अलावा मेरे किरदार में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। प्लीज़, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। मैंने भूले से भी ऐसा नहीं कहा, ना मैं ऐसा कहने की हिम्मत कर सकता हूँ, ना सोच सकता हूँ। मैं समझाना सीखे, मैं आपसे फिर वही सवाल पूछूंगा जो आप वफादारी की बात कर रही हैं, जितनी भी बात कर रही हैं, मैं उसी एग्जांपल को लेकर आ जाएं कि फ़र्ज़ कर लें कि आप जो है वो किसी जगह जाकिरी के लिए नहीं जा सकें और आप बड़ी ज़बरदस्त जाकिर हैं, फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, मुझे नहीं मालूम इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आप कभी भी मजलिस सुनने नहीं जा पाती हैं, आपको दिन सुबह से लेकर शाम तक 8-10 जगह मजलिस से पढ़नी होती है। इत्तेफाकन ऐसा हुआ एक साल के कहीं पर मजलिस नहीं थी और आप घर में बैठे हुए थे, आपको किसी जगह मजलिस पढ़ने के लिए नहीं बुलाया गया, आपको ये वफादारी, ये मोहब्बत, ये नमाज शब, ये हिजाब, ये माँ बाप का एहतराम, सब कुछ आता है। मेरा सवाल ये है कि आप मजलिस में जाएंगी कि नहीं जाएंगी, क्यों? कोई सा भी जवाब आप देंगी इश्क इमाम हुसैन के अलावा इन 10 दिनों के लिए, दैट इज रॉन्ग। अगर आप कहेंगे इसलिए कि मुझे वालदैन का एहतराम सीखना है, आप तो वैसे ही कर रही हैं, आप सीखें मुझे नमाज शब सीखनी है, आप वैसे ही पढ़ रही हैं, आप कहें मुझे हिजाब का पसंद है, आपको हिजाब वैसे ही कर रही है, बल्कि इस पर आप मल्ली से पढ़ चुकी हैं खुद। मैं सिर्फ क्लोज होकर समझाना चाह रहा हूं कि हम जो फर्श अदा बिछाते हैं इसका असल मकसद यह है, यानी एक मिनट के लिए मुझे ये फर्ज कर लेने दें कि हम एक ऐसी जगह पहुंच गए, मिसाल के तौर पर एक फैमिली 8 आदमियों की या 10 आदमियों की, 15 आदमियों की ऐसी जगह पहुंच गई कि जहां पर उन 15 के अलावा कोई भी शिया नहीं है, नॉट अ सिंगल शिया। एग्जाम्पल डेवलप कर रहा हूं ताकि आप समझें। ये 15 के 15 आदमी ऐसे हैं जो बेहतरीन इबादत गुजार हैं, बेहतरीन रोजेदार हैं, बेहतरीन कारी कुरान हैं, बेहतरीन जो है वो अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर करना जानते हैं, हलाल पता है, हराम पता है, माँ बाप की रिस्पेक्ट पता है, सब कुछ पता है। देर इज नथिंग न्यू यू कैन गिव टू देम। क्या उन 15 आदमियों को रोजेदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मेरा सवाल ये, क्यों करनी चाहिए? आप समझिए मेरा सवाल, वो 15 आदमी रोजेदारी क्यों करेंगे? जी ऑफकोर्स, मैं उन 15 आदमियों की बात कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब देते हैं। वो 15 आदमी जिनको सब कुछ मिला है वो क्यों फर्श अदा बिछाए भाई? उनको वो सारे फायदे भी हासिल हो चुके हैं। प्लीज़ आप नहीं मिक्स कर रहे मेरी बातों को, वरना बात इसी तरह चलती रहेगी। मेरा सवाल ये कि वो 15 आदमी क्यों रोजेदारी कर रहे हैं? कनेक्शन बताने के लिए, बीबी मैं कनेक्टेड हूँ आपसे, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। देखिए लेकिन का मतलब ये कि पिछली बात गलत है। अरबी उर्दू जबान के एतबार से मैं कहता हूँ आप सब अच्छे तो हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ना लेकिन, यानी मेरी पिछली बात में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ये लेकिन बता रहा है कि पहला जुमला आपको खुद एक्सेप्टेड नहीं है, तो प्लीज लेकिन ना लाए। मैं फर्श अदा पर आता हूं इसलिए कि मुझे इमाम हुसैन से अपने इश्क का इजहार करना है, बस, देयर इज नो लेकिन। इसीलिए मेरे जुमले पर गौर करें, मैंने यही कहा, हां जब मैं यहां पर आऊंगा तो मुझे ये भी मिलेगा, मुझे ये भी मिलेगा, मुझे और मिलना चाहिए, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूं, वल्लाह इनकार नहीं कर रहा हूं, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। हुसैन इब्न अली किसी को खाली हाथ नहीं जाने देगा, ना जाकिर को खाली हाथ जाने देना चाहिए अपने मजमा सुनने वालों को, लेकिन मैं फर्ज अदा पर आगे बैठा हूं इसलिए कि मुझे इमाम हुसैन से अपने इश्क का इजहार करना। असल में हम लोग कराची में, हमारे पास वैरायटी है, 500 जगह अशरा चल रहा होता है, लिहाजा हम चूज कर सकते हैं, उस जाकिरा को सुनना है, उसको नहीं सुनना, उसको सुनना है, उसको नहीं सुनना, यहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना, हम कर सकते हैं, इसलिए हम 500 जगह जा नहीं सकते। आप दुनिया के किसी ऐसे शहर में जाके कभी रहें जहाँ पर टोटल एक ही मजलिस होती है? वहाँ मैं पूछूंगा ऐसा जाकिर आ गया जो सारी बकवास करके जा रहा है, चले फर्ज कर ले मैंने मान लिया वो जो बकवास जाकिर होते हैं जिन्होंने कहा कि कुछ नहीं करने की जरूरत तुम्हें, आप फिर भी जाकर बैठते हैं फर्श अदा पर, उस जाकिर को गालियां भी दे रहे होते दिल ही दिल में, तो जाकिर को सुनने जा रहे होते हैं। उस फर्श अदा पर आप इसलिए नहीं बैठते हैं कि वो जाकिर कुछ सिखा रहा है, उसको सिखाना चाहिए, वो सही, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं फर्श अदा पर क्यों जाता हूं? उसकी बकवास सुनने के लिए नहीं, अपने इश्क का इजहार करने के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं फर्श अदा जो दुनिया में बिछता है या बिछाया जाता है इसलिए, फिर सारे बेनिफिट्स हासिल होने चाहिए, उसे इनकार नहीं है। हम पहले बुनियाद को तो सही करें, हम लोग जाके खड़े हो गए चमचम और गुलाब कलाकंद के ऊपर, वो गुलाब जामुन को तो सही करें।
मिस्टेक तो हो गई है, कहाँ से हो गई, उस मिस्टेक बुनियाद को तो सही करें, सब कुछ मिलेगा। मेरी किसी बात का मकसद ये नहीं कि आप नमाज पढ़ना छोड़ दें या नमाज की बात करना छोड़ दें, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, मेरी कई बात का मकसद ये नहीं कि आप नमाज की बात करना छोड़ दें, हिजाब की बात करना छोड़ दें, पर्दे की बात करना छोड़ दें, माँ बाप का एहतराम, सारी बातें करें। फर्श अज़ा इसलिए बिछाया जाता है कि अपने मौला से अपने कनेक्शन का इजहार करना, एंड आई एम स्ट्रांग इनफ टू प्रूव इट, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस दुआ के साथ के परवरदिगार आलम, हम देखें, मैं आपको बताऊं ये सारे वाक़ियात फिर आप कहाँ लेकर जाएंगे एक ही जुमले पर, ताकि मसाइब भी हो जाए, बिल्कुल मसाइब के बगैर मुकम्मल ना हो। मैंने बहुत ही मोहतरम उलमा से सुना है, मैं कोई इसका अगर रेफरेंस लेके हदीस तो है नहीं, लेकिन वाक़ा मोहतरम आलमद्दीन से सुना, कहा कि हिंदुस्तान में एक औरत थी, उसकी जवान बेटी की डेथ हो गई, एक ही बेटा था उसका, इतना प्यार था जाके वो रोज़ाना उसकी बेटी अपने बेटे के ऊपर बैठ जाती थी, रोज़ाना एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, मुहर्रम का महीना आ गया, जितना भी प्यार था अपने बेटे से। लेकिन हमें से हर एक ही कहता ना, अभी अभी अंत वो मैं हुसैन तेरे पे, तुझ पर मेरा सब कुछ कुर्बान। चांद रात आई, इसने अपने बेटे की खबर पर आके कहा, बेटा मैं तू ही है मेरी ज़िंदगी, इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन जब तक फातिमा करा ले तब तक तू नहीं, अब आऊँगी 12 दिनों के बाद, इमाम के सोयों के बाद। चली गई अपने घर पर, फर्श अदा बिछाया, मजलिसों में शिरकत की, सब कुछ करती रही। जब लौट कर 12 मुहर्रम को वापस आई, देखा कि एक औरत है जो बैठी हुई है इसके बेटे की खबर, किधर है इश्क तुम्हारा, एक औरत बैठी हुई है, इसने आके कहा, ए बीबी, अच्छा रो रही, कहा बीबी देख, ये तेरे बेटे की खबर नहीं, मेरे बेटे की खबर है, तू क्यों यहाँ पर आके रो रही है, गलत जगह पर आके बैठ गई है। अजीब जवाब दिया, कहा जब से तू मेरे हुसैन को रोने के लिए गई, या तो कह दो कि वाकया झूठा है, या कहो कि बीवी कबूल करती है पुरसे को, अपने इश्क का इजहार करो, खुद ब खुद अमल में तब्दीली आती है, खुद ब खुद इंसान का किरदार बुलंद होता है। जो बुलंद लोगों से मोहब्बत करता है अपने किरदार को बुलंद बनाता है, जो पाकीज़ा लोगों से मोहब्बत करता है अपने किरदार को पाकीज़ा बनाता है, जो बुलंद और यानी जो अच्छे लोगों से इंसान मोहब्बत करता है वो खुद ब खुद उसकी अच्छाइयाँ किरदार में आती हैं। इस दुआ के साथ के परवरदिगार आलम हम सबको इस फर्श अज़ा के सदक़े में जैसा किरदार अपनाना चाहिए वैसा अपनाने की तौफीक इनायत फरमाए। महबूब जैसा मौला का आज़ादार बनने का हक़ है वैसा हक़ अदा करने की हम सबको तौफीक इनायत फरमा। जो ये इश्क अहले बैत की जो अमानत हमारे वालदैन ने हमारे बुज़ुर्गों ने पूरी दयानतदारी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ पूरी सच्चाई के साथ पूरे खलूस के साथ हम तक मुंतकिल किए, इतनी ही सच्चाई दयानतदारी अमानतदारी के साथ अपनी आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करने की हम सबको तौफीक इनायत फरमा। हम सब के मौला राका के ज़ुहूर में ताजील फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा सलवात पढ़ दें। मोहम्मद Allah Jalla 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 Jal